सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। श्लोके दुर्गा शिव उवाच देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्य विदायनि कलो हि कार्य सिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि अत्रतः देव्यो वाच शृणु देव उपवक्ष्यामि कलो सर्वेष्ट साधनम् मया तवैव स्नेहेनाप्यम्बः स्तुतिः प्रकाश्यते ॐ अस्य श्रीदुर्गा सप्तश्लोके स्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषिः अनुष्टवछन्दः श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता श्रीदुर्गा प्रेत्यसाम् सप्तश्लोके दुर्गा पाठे विनियोगः ॐ ज्ञानिनाम विजेतांसि देवी भगवती हृदा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति दुर्गे स्मिता हर्षवेतमशेषयन्तः स्वस्तिः स्मिता मतिमतेव शुभां दधांसि दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदा चित्ता सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमस्तुते शरणागत दीनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्याति हरे देवि नारायणि नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभस्वाहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते रोगानशेषानमहांश्चतुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानवेष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नरानां त्वामाश्रितायाश्रयतां भयान्ति सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अग्रेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम् ॐ श्रीदुर्गायै नमः श्रीदुर्गाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् ईश्वरवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि वृणुष्व कमलानने यस्य प्रसादभाग्येन दुर्गा प्रीता भवेत् सदे ॐ सदे साध्वी भव प्रीता भवानी भव मोचनी आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्ता चण्डघण्टा महातपा मनोबुद्धि अहङ्कारा चित्तरूपा जिदाजिः सर्वमन्दमयी सत्या सत्यानन्दस्वरूपिणी अनन्ताभाविनी भाव्या भव्या भाव्या सदा गतिः शाम्भवी देवमाता च चिन्तारत्नपिया सदा सर्वविद्या रक्षकन्या रक्षयज्ञविनाशिनी अपर्णानेकपर्णा च पाटला पाटलावते पट्टाम्बलपरिधाना कलमञ्जेरञ्जनी अमेयविक्रमा क्रूरा सुन्दरे सुरसुन्दरी वनदुर्गा च मातङ्गी मतङ्गा मुनिपूजिता
ब्राह्मी माहेश्वरी जयंदे कुमारी वैष्णवी तथा चामुंडा देव वाराही लक्ष्मी च पुरुषागृतिः विमलो दक्षिणी ज्ञान क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेम सर्वभाहन वाहना निशुम्ब शुम्ब हननी महिषा दुर्मर्धनी मधुकेट वहन्द्रीज चण्ड मुण्ड विनाशनी सर्वासुरविनाशाज सर्वधानवगादिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्य धारिणी तथा अनेकशस्त्रहस्ताज अनेकास्त्रस्य धारिणी कुमारी चेक कन्या च केशोरी युवती जति अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला अग्निज्वाला रुद्रमुखी कालराद्री तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया यलोधरी शिवदूती करानी च अनन्ता परमेश्वरी कात्यायनी दुहाभिक्ति प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी जायितं प्रभते नित्यं दुर्गा नाम सदाशगां नासाध्यं विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती धनं धान्यं सुखं जायं हयं हस्तिनमे भज चतुर्वर्गं तथा जान्दे लभे मुक्तिं च शाश्वतीं कुमारीं भोजयित्वा दोध्यत्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजे परिहाभद्या पठे नाम शताष्टकम् तस्य सिद्धे भवे देवी सर्वैः दुर्बलैरपि राजानो दासदां जान्दे राजा श्रियमाप्नुयात् गोरोचनालक्तकुकुमेन सिन्धूरकर्पूरमदोत्तरेण विलिख्यं चन्दिनां विधिना विधिज्ञोपवेशधारयते पुरारिः भौमावास्यां निशामग्रे चन्द्रे षद्विशां गते विलिख्य प्रपथे स्तोत्रं सावभे सम्बदां वदाम् ॐ। प्रातःकालीन आरती के इस पवित्र वेला में आप सभी भक्तजनों का माँ भगवती जगत जननी वैष्णो देवी जी के दरबार में अभिनंदन, आप सभी का हार्दिक स्वागत। इस समय इस पवित्र गुफा में पूज्य पुजारी जी द्वारा पिंडियों के रूप में विराजमान माँ भगवती जगत जननी वैष्णो देवी जी की पंचामृत से स्नान और वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार विधि से पूजा की जा रही है। इस समय मनुष्य ही नहीं अपितु देवतागण भी देवलोक से उतरकर अपना सूक्ष्म रूप धारण करके इस पवित्र गुफा में पदार्थी हैं और करवध होकर माँ भगवती की स्तुति करते हैं। इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। ये स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी हैं, सुख समृद्धि को देने वाले हैं, आरोग्यता प्रदान करने वाले हैं। इन स्तोत्रों से मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति होती है। अतः आप सभी भक्तजनों से निवेदन है कि आप अपना ध्यान माँ भगवती जगत जननी वैष्णो देवी जी के चरणों में ले जाएं और भक्ति भाव से इस दिव्य पाठ का श्रवण एवं स्वयं पाठ करें। अथ दिव्यः कवचम् ॐ अस्य श्री चण्डी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टव छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासोक्तमातरो भीजम् भिगबन्धदेवता सत्त्वम् श्रीशकदम्भ प्रीचते सप्तशते पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकर्मिणां जन्मकैश्चिदाघातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम् देव्यासो कवचमं पुण्यं दक्षिणश्च महामने प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रखण्डेति कुष्माण्डेति चतुर्दकम्
पंचमं स्कंधम आदेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति च अष्टमं नवमं सिद्धिधात्री च नवदुर्गः प्रकीर्तिता उक्तानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना देहमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विश्वमे दुर्गमे देव व्यातः शरणं गता नादेशां जायते किञ्चिदशुभवर्णसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं न हि ज्येष्ठु वच्चास्मिधानूनां तेषां वृद्धि वजायते ये त्वां स्मरन्ति देवे रक्षसेदान संशयः प्रेष्ठसंस्कातु चामुण्डा वाराहि महिषासना एन्द्रीगजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी विशारूढा कौमारी जगिवाहना लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपा धरा देवी ईश्वरी विजवाहना ब्राह्मी हंस समारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरा सर्वः सर्वयोग समन्विता नानाभरणशोभाट्या नानारत्नोपशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोध समाकुला शङ्खं चक्रं गदां जग्निं हलं च मुदलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुण्डायुधं त्रिशूलं च सारङ्गमायुधमुत्तमम् देत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च दारिन्द्रायुधानीतं देवानां च हिताय वै नमस्ते तो महारोदे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशने जाहि मां देवि दुष्पेशे शत्रूणां भयवर्धने प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्री अग्निहामग्निदेवता दक्षिणे पातु वाराहि नैरित्यां खड्गधारिणीं प्रतिच्यां भारुणी रज्जे वायभ्यां मृगवाहिनीम् उदिच्यां पातु कौमारी एशानां शूलधारिणीम् ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रज्जे अधस्ता वैष्णवी तथा एवं दशदिशो रज्जे चामुण्डा शववाहना जया मे जागृता पादो प्रिया पादो पृष्ठतः आदिता वाम भाजेत दक्षिणे चापराजिता शिखा मध्योदिनी रज्जे उमा मूर्ध्नि व्यवस्थिता माला शरीलला तेज भव रज्जे यशस्वनि त्रिनेत्रा च भुवर्मध्ये यमखण्डा जनासिके शङ्खणी चक्षुषोर्मध्ये ज्योतयोद्धारवासिनी कपोलौपालिका रज्जे कर्णमोरे दशाङ्गरी नासिकायां दुबन्धा च उत्तरोचे च जर्जिका अथये चामृतकला जिह्वायां दरस्वती दन्ता रक्षतु कौमारी कण्ठतेजे तु चण्डिका चण्डिका चित्तघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी च मुखं रज्जे वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठभञ्जे तनोतरी नीलग्रीवा बहि कण्ठे नलिकोभरि सगन्ध्यो खड्गनीरक्षे बाहु मे वज्रधारिणी हस्त्यो दण्डनीरक्षे दम्बिकाजाङ्गुलेषु च नखासुरेश्वरी रक्षे कुक्षौ रक्षे कुलेश्वरी स्तनौ रक्षेण महादेवी मनः शोकविनाशिनी हृदे ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नवौ जगामनि रज्जे गुह्यं गुह्ये जले तथा भूतनाकामि कामेदं वदे महेशवाहिनी कट्यां भगवते रज्जे याजने विन्द्यवासिनी जङ्गे महाबला रज्जे सर्वकामप्रदायिनि गुल्भयोर्नारसिंहे च पादपृष्ठे ददेशति पादाङ्गुलेषु रज्जे पादादस्तरवासिनि नखान् द्रष्टाकराणि च केशा देवदकेशनि रोमगोपेषु गोपेरे तजं भागेश्वरे तथा रक्तमज्जावसामास नति वेदान्ति पार्वते अण्डानि कालरात्रे च पित्तं च मुकुटेश्वरे पद्मापदे पदं गोजे कवे चूडामणिस्तदा ज्वालामुखीनखज्ज्वालामवेद्यां सर्वसन्दिश शुक्रां ब्रह्माणि मे रक्षे सायं शक्तेश्वरे तदा अहङ्कारं मनो बुद्धि रक्ष मे धर्मधारणि प्राणापानो तथा व्यानम् उदानं च समानकम् वज्रहस्ता च मे रक्षे बाणं कल्याणशोभना
रसे रूपे जगन्दे दर्दे शस्ते जोगनी सत्वम यस्तमस्ते वरक्षे नारायणी सदा आशु रक्षत वाराहि धर्मम रक्षत वैष्णवी जशा कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रणी गोत्रमिन्धानि मे रक्षे पशु मे रक्ष चण्डिके पुत्रा रक्षे महालक्ष्मी भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानां सुपसारक्षे मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वदा स्थिता रक्षाहीनं गृहस्थानं वर्जितं गवजेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी चयन्ते पापनाशिनी पथमेकं न गच्छेद यदि शेषुभवात्मनः वचेनाभिशो नित्यं यत्र यत्तेव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सर्वकामिकः जं जं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वरं मदनं प्राप्यते भूतले वमान् निर्भयः जायते मत्यः सङ्ग्रामे च परायितः त्रैलोके दुभेत्पूज्यः कवधेनापितापमान् इदं तु देव्यः क्वजं देवानामपि दुर्लभम् जापटे प्रयतो नित्यं त्रिसज्ञं सत्ययान्वितः देवी कलापभेदस्य त्रैलोकेश परायितः जीवेव दक्षतां सङ्ग्राममित्यो विवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे भूता विस्फोरकादयः स्वाङ्करं जङ्गमं देव कीर्तिमञ्जाविहद्विषाम् अविचाराणि सर्वाणि मन्दयन्दानि भूतले भूचरः केचराश्चैव यलजाशोपदेशिका सा जाकुलिशा पाला राकणी शाकणी तथा अन्तरिक्षा जरा गौरा राकिन्यश्च महाबला ग्रहभूतविषाजा च यक्षगन्धर्वराक्षसा ब्रह्मराक्षसभेदालः कुष्मादावेदवादयः नश्यन्ति दर्शनादस्य कवचेः संस्थिते मनोनितिमभेराख्यस्तेजो वृद्धिकरं परं जससा पतते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपे शतशतिञ्जन्यं कृत्वा तु कवचं वरा यावत् भूमण्डलं दत्ते शशलेवनगाननं तावतिष्ठति मे दिन्यः सन्दते पुत्रबोधके देहान्ते परमं स्थानं यस्वरेरपि दुर्लभम् प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते ॐ अथ अर्गलास्तोत्रम् ॐ अस्य श्री अर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णो ऋषि अनुष्टव छन्दः श्रीमहालक्ष्मीदेवता श्रीजगदम्बा प्रीतये सप्तशरे पाठायत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ जयन्ती मङ्गलाकाले भद्रकाले कपालिनी दुर्गाशिवादात्रे स्वाहा सदा नमस्तु ते जय त्वं देवि चामुण्डे जय भूतादिहारिणि जय सर्वगते देवि कालरात्रि नमस्तु ते मधुकैटवभिद्रावि विधात्रि वरदे नमः अरूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि महिषासुरनिर्दासे भक्तानां सुखदे नमः अरूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि रक्षबीजवदे देवि चण्डमण्डविनाशिनि अरूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि शुम्भस्येवनि शुम्भस्य दुम्रायक्षसमर्दिनि अरूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि वन्दिलाग्रे देवि सर्वसौभाग्यदायिनि अरूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रो विनाशिनि अरूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि न तेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरिदाभे अरूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि सुभद्रो भक्तिपूर्वं त्वं चण्डिके व्याधिनाशिनि अरूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि चण्डिके सततं जे त्वमच्युजन्तीह भक्तितः अरूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम्
अरूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहे वदेहि दुष्टां नाशं वदेहि बलमुच्चगे अरूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहे वदेहि देवि कल्याणं वदेहि परमाश्रयम् अरूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहे सुरासुरशिरोरत्नादिकृष्णचरणेऽम्बिके अरूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहे विद्यावन्तं जशोस्कन्दं लक्ष्मीवन्दं जनं कुरु अरूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहे प्रचण्डदैत्य सर्पग्ने चण्डिके प्रणदाय मे अरूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहे चतुर्भुजे चतुर्वत्र ते परमेश्वरे अरूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहे कृष्णेन संसुते देवि स्वस्य भक्त्या सदाम्बिके अरूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहे हिमाचलसुधानाथ संसुते परमेश्वरे अरूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहे इन्द्रानीपति सद्भाव पूजिते परमेश्वरे अरूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहे देवि प्रचण्ड दोर्दण्ड दैत्य दर्प विनाशिनि अरूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहे देवि भक्तजनो दाम दत्तानन्दोदयम्बिके अरूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहे पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणि तारिणीं दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठेद्वादो महास्तोत्रं पठेरा सातो सप्तषधी संख्या परमापनोति संपदा ॐ अथ कीलकम् ॐमस्य श्रीकीलकमन्दस्य शिवऋषिः अनुष्टव छन्दः श्रीमहासरस्वतीदेवताम् श्रीजगदम्बावेद्यताम् सप्तशतीपाठागत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदे दिव्यदर्शने श्रेयाप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमाददारिणे सर्वमेव त्वया नीनामवकीलकम् सोऽपि क्षेमम् वाप्नोति सततम् व्याप्य तत्परः सिद्ध्यनुजाननादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन सुवसाम् देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो नौषधम् तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जापेन सिद्ध्येत सर्वमुच्चारणादिकम् समग्नानपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमामहः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदम् शुभम् स्तोत्रम् वेजन्तिकायातो तच्च गुप्तम् जगार्सः समाधेन पुण्यस्य स्वम् यथा वह्नियन्त्रणाम् सोऽपि क्षेमम् वाप्नोति सर्वमेवम् न संशयः कृष्णायाम् वा चतुर्दशामष्टम्याम् वा समाहितः ददाति प्रतिघृह्णाति नान्नशेषामसीदति इत्थमरूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् जो निष्किलाम् विधायेन नित्यम् जपति संस्फुरम् सा सिद्धा सा गणः सोऽपि गन्धर्भो जायते नरः तस्य भयम् कापि हयायते नाममित्वसम् जाते मृदो मोक्षापाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य गुर्वीद न कुर्वानोऽपि नश्यति ततो ज्ञात्रैव सम्पन्नमिदम् प्रारभ्यते पुतेः सौभाग्यादि यत्किञ्च दृश्यते ललनायने तत्सर्वम् तत्प्रसादेन तेन याप्यामिदम् शुभम् सन्यस्तो जप्यमानेऽस्मि स्तोत्रैः सम्पत्तिरुज्जगैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ईश्वरम् यत्प्रसादेन सौभाग्यरोग्यसंवदः शत्रुहानिः परो मोक्षः स्तूयते सा न किम् जनैः ॐ श्रीमहिषासुरमर्दने स्तोत्रम् हरिगिरिनन्दिनि नन्दितमेरिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्दशिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हे जिषुकण्ठकटुम्बिनि भूरिकटुम्बिनि
Thank you.
Shut
नंबर 30 पर क्षमा प्रार्थना निकाल लीजिएगा। अथ क्षमा प्रार्थना अपराध सहस्राणी जयन्ते हरण समया भागोऽयमिति मामत्त क्षमस्व परमेश्वरि आवारणं न जानामि जगदम्बिके
कर श्री राम वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी श्रद्धालु भक्त जन तीन बार ओंकार रक्षक नाद करेंगे, एक साथ उच्च स्वर से लंबे स्वर से हृदय से वास निकालते हुए माता जी के चरणों में यह प्रार्थना करते हुए, हे माँ इन पदों में स्तोत्रों से यदि कहीं भी कुछ भक्ति का लेश मिले उसी से प्रसन्न हो जाओ, हमारे अपराधों को क्षमा करो एवं मनोकामना को पूर्ण करो, ऐसा मन में माता जी के चरण भाव करते हुए आप सभी भक्तजन तीन बार एक साथ ओंकार रक्षक नाद कीजिएगा। ओंकारं बिन्दुं संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। योगी जन बिंदु से संयुक्त इस ओंकार का नित्य प्रति काम एवं मोक्ष प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं। हमारी सृष्टि का स्वरूप भी ओंकार स्वरूपा ही है तथा इसके आदि एवं अंत में इसी अक्षर का गुंजायमान सदैव होता रहता है। ओंकार अक्षर के जाप से उच्चारण से कई आदि व्याधियों का विनाश भी होता है। हे माँ इस प्रणव अक्षर ओंकार में आकार ओकार और मकार के रूप में ब्रह्मा विष्णु एवं महेश के रूप में आपकी नित्य स्थिति है तथा बिंदु स्वरूपा अर्धमात्रा जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता वह भी आप ही हैं। सचिया ज्योता वाली माता तेरी सदा जयकारा श्री राम वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी आप सभी श्रद्धालु भक्तों ने पूर्ण तन्मयता से तल्लीन होकर श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के इस दिव्य पाठ का श्रवण किया। जिस श्रद्धा से आप सभी ने इस पाठ का श्रवण किया है स्वयं पाठ किया है उसी रूप में जगदम्बा वैष्णो माता प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी माता से प्रार्थना है। अभी आपने श्री देवी कवच का पाठ किया, इसी के महात्मा पढ़ करते हुए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि पदमेकम न गच्छे तु जदिच्छे चुमात्मना कवचे नाभ्य तो नित्यम यत्र यत्रे गच्छति तत्तत्तार्थ लाभश्च विजया सार्वकामिकः जन जन चिंतयते कामं तन्तं प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वर मतलम प्राप्सते भूतलेपमान निर्भयो जायते मर्त्या संगामेश्वर प्रायता तेलोके भवेत् पूजा कवचे नाभ्यता पुमान। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मनुष्य यदि आपके शरीर का भला चाहे तो बिना कवच के कहीं एक पाग भी न जाए अर्थात कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ से धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर सुनारित महान ऐश का भागी होता है। सचिया ज्योता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरा वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की जय। वासंतिक नवरात्रों की इस परम पावन प्रातःकालीन संध्या में आप सभी श्रद्धालु भक्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से भक्तों ने अपने घरों में शाखा रोपण किया है, कलश स्थापित किया है,
और अखंड दीप प्रज्वलित करके अपनी आराधना को भक्तजन अग्रसर कर रहे हैं। आज अष्टमी 11:42 तक है, तत्पश्चात नौमी है, इसलिए आज नौमी को ही इस यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। 1 बजे यज्ञ पूर्णाहुति होगी और इस पूर्णाहुति के लिए आप सभी भक्तजन सादर आमंत्रित हैं। प्रथम नवरात्र से 1 कन्या, दूसरे में 2 कन्या, इस प्रकार कन्याओं का पूर्ण करते हुए आप सभी भक्तजन अपनी जो आराधना को अग्रसर कर रहे हैं। आज 9 कन्याओं का पूजन होगा और सभी जो 1, 2, 3 सब नवरात्रों की कन्या मिलाकर 45 कन्याओं का पूजन किया जाता है। पूजा के उपरांत कन्या पूजन होगा और उनके माता पिताओं से ये प्रार्थना है कि वो बाहर अपनी कन्याओं का जो उनकी प्रतीक्षा करें। आज अष्टमी के दिन आज भक्तजन महागौरी माता जी की आराधना कर रहे हैं। जिस प्रकार नाम से प्रसिद्ध है, इनका वर्ण अति गौर है और इसकी उपमा कुंद के पुष्प से, शंख से की जाती है। इनके सभी वस्त्र भी श्वेत हैं, इनके आभूषण भी श्वेत हैं। अष्ट वर्षात भवेद गौरी और इनकी जो आयु है वो 8 वर्ष की है। इन्होंने अपने पार्वती रूप में शंकर जी को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी और ये संकल्प लिया था कि वरहूं शंभु ना तो रहूं कुमारी, जन्म कोटि लगी लगन हमारी, वरहूं शंभु ना तो रहूं कुमारी। ये जन्म से कोटों करोड़ों जन्म से हमारी ये लगन लगी हुई है कि यदि हम वरण करेंगी तो भगवान शंभु का करेंगी, नहीं तो ना करूंगी। और इस प्रकार तपस्या करते करते उनका जो वरण था वो श्याम हो गया, काला रंग हो गया। और जब शंकर जी ने गंगा में इनके शरीर को धोया तो इनका गौर वरण हुआ, तभी से ये महागौरी कहलाई। आज के दिन भक्तजन इनकी आराधना करके अपने सभी जो कलमशों को धो देते हैं। और क्योंकि 11:42 के बाद नवमी है, इसलिए हम नवमी माता सिद्धिदात्री का भी ध्यान कर रहे हैं। ये भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाली हैं। भगवान शंकर जी ने देवी भागवत में आशा है कि अपने सभी कार्यों को सिद्ध करने के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए इन्हीं की आराधना की थी और इन्हीं के आशीर्वाद से इनका जो शरीर था वो अर्धनारीश्वर हुआ। भक्तजन सभी सिद्धियां प्राप्त करके अपनी आराधना को अग्रसर करते हैं। देवी भागवत भी बताते हैं कि नवरात्रों में ही आराधना करके भगवान विष्णु जी ने मधुदैत्य का वध किया था, भगवान शंकर जी ने त्रिपुर दैत्य का वध किया था और इंद्र भगवान ने वित्तासुर का वध किया था। श्री रामचंद्र जी ने भी सीता को प्राप्त करने के लिए, आपने कल सुना कि इन्हीं नवरात्रों में दुर्गा माता की आराधना की थी और माता जी के आशीर्वाद से, प्रेरणा से उन्होंने सेतु बांध करके रावण का वध किया था। आप देखते हैं देवी भागवत में कि सुशील नाम ब्राह्मण ने भी, जो अत्यंत निर्धन था और 2 भगत समय कर जो काम करके भी लोगों का वो अपने कुटुंब को एक समय भर पेट भोजन नहीं दे पाता था, तभी एक विद्वान ब्राह्मण के उपदेश से उन्होंने नवरात्र व्रत किया और अष्टमी की मध्य रात्रि को माता जी उनको दर्शन दिया, जिससे वो कृतार्थ हो गए। राजा जनमेजय जो सदैव दुखी रहते थे, उनके पिता जी को स्वर्गति प्राप्त नहीं हुई थी और व्यास जी ने उनको दुर्गा माता की आराधना करने का जो संकल्प बताया था, विशेष करके नवरात्र में दुर्गा यज्ञ तथा श्रीमद देवी भागवत कथा का श्रवण करने के लिए बताया था। जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने देखा था कि असंख्य ब्राह्मण को जब उन्होंने भोजन कराया, सुवासिनी स्त्रियों को, कन्याओं को, ब्रह्मचारी दीनों को जब दिल खोल करके धन बांटा, उनकी इच्छानुसार उनको भोजन इत्यादि दिया, तो उसी समय नारद जी वहां पर अपनी वीणा द्वारा गायन करते पधारे थे, जिनका उन्होंने आदर सम्मान किया था और कहा था कि महाराज आपकी कृपा से मैं सनात हो गया हूँ, मेरे योग्य जो कार्य बताइए। उस समय नारद जी बताया था कि आपने जो ये दुर्गा यज्ञ किया है, नवरात्रों में देवी भागवत कथा का श्रवण किया है, इसके फल स्वरूप आपके पिताजी को स्वर्गति प्राप्ति हुई है। मैंने देखा है कि वो उत्तम विमान में बैठे हुए थे और अप्सरों द्वारा था, देवताओं द्वारा स्तुत होते हुए माता जी के परम धाम मणिद्वीप को गए थे। निश्चय रूप से आपकी इस भक्ति से आपके पिताजी का उद्धार हो गया है और शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि पुण्य नाम नरक आयत आर्ते सा पुत्रा, जो पुण्य नाम नरक से अपने पिता का उद्धार कर देता है उसी को पुत्र की सार्थकता प्राप्त होती है। उस समय राजा जनमेजय जी ने
व्यास जी को प्रणाम किया था और कहा था कि महाराज आपकी कृपा से मैं सनात हो गया हूँ, कृतार्थ हो गया हूँ, मैं प्रणाम के सिवा आपको क्या दे सकता हूँ। उसमें अपने आशीर्वचनों में व्यास जी ने कहा था कि आगे आने वाले समय में भी आप दुर्गा यज्ञ करो, नरातों में श्रीमद देवीवाद कथा का श्रवण करो, इससे आप अनायास ही संसार बंधन से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि ये देवी भागवत शिव पुराण तथा विष्णु पुराण इसकी समता नहीं कर सकते हैं। जिसमें स्वयं मूल प्रकृति का प्रतिभान हुआ है उसके समान दूसरा पुराण कौन है। और इस प्रकार राजा आगे आने वाले समय में भी व्यास जी का शिरोधार्य करते हुए अंबा यज्ञ करते रहे और शिव देवी भागवत का उन्होंने श्रवण किया, पाठ किया, जिससे वो संसार बंधन से मुक्त हो गए। आप सभी सौभाग्यशाली पुण्यकर्मी हैं जिनको आज बासंती व्रतों के समापन दिवस पर महाराज के चरणों में बैठ करके माँ महागौरी तथा सिद्धिदात्री का ध्यान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भक्तजन, आज के दिन निवारण मंत्र का जाप करते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, शिव देवी भागवत कथा का श्रवण करते हैं और ये शक्ति के साथ शक्तिधर की उपासना के भी दिन है। अखंड ब्रह्मांड नायक श्री राम जी ने भी आज ही चैत्र नवमी के मध्यान्ह व्यापनी को जो जन्म ग्रहण किया था और इनके मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के जो उपदेश हैं, इनके जो आचरण हैं, उनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। ये आदर्श भाई, आदर्श पति इत्यादि जो ये केवल भारतवर्ष के ही नायक नहीं है, अखंड ब्रह्मांड नायक हैं, इनकी आराधना से हमें इनके जो आदर्शों से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आज दुर्गा नवमी के व्रत के साथ राम नवमी का व्रत भी जो दोनों हो जाएंगे। आज के इस शुभ दिन पर हम श्राइन बोर्ड के चेयरमैन एवं राज्यपाल जम्मू कश्मीर माननीय महोदय सम्माननीय श्री सत्यपाल जी मलिक, उनको हार्दिक बधाई देते हैं, उनका हार्दिक स्वागत, उनकी उनके कुशल प्रयासों से श्राइन बोर्ड दिन प्रतिदिन उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो रहा है। श्राइन बोर्ड के चेयरमैन सम्माननीय श्री सेवन सिंह दीप जी, एडिस्ट्रेट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री विवेक वर्मा जी, आपके अथक प्रयासों से, कुशल प्रयासों से श्राइन बोर्ड दिन प्रतिदिन उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो रहा है, आपको हार्दिक बधाई। डिप्टी सीईओ श्री करमानी साहब, ब्रह्मानी साहब, दुबे साहब, इन सभी का हार्दिक स्वागत। सभी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जिन्होंने पूर्व काम किया है वो भी बधाई के पात्र हैं और आपके ही कुशल प्रयासों से श्राइन बोर्ड दिन प्रतिदिन जो उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हुआ है। जहां के भवन के कुशल प्रशासक एवं सत्यचंडी यज्ञ के प्रधान यजमान श्री नरेश शर्मा जी बधाई के पात्र हैं, अशोक शर्मा जी सिक्योरिटी ऑफिसर, सीनियर मैनेजर श्री सुनील गुप्ता जी, अकाउंट्स ऑफिसर श्री सुदेश खजूरिया जी, यही साहब खजूरिया साहब, सभी बधाई के पात्र हैं, आपके कुशल प्रयासों से श्राइन बोर्ड दिन प्रतिदिन उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो रहा है। श्रद्धा चैनल बारे विशेष करके बधाई के पात्र हैं, इनके माध्यम से ये लाइव प्रसारण, लाइव टेलीकास्ट भारतवर्ष में नहीं अपितु संसार के जो मुख्य प्रदेश हैं उनमें माता जी का लाइव कास्ट जो है इनके माध्यम से होता है, इसलिए ये बधाई के पात्र हैं। सचियां जोतां वाली माता तेरी सदा ही जय, जयकारा शेरां वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी भजन की वेला है, सभी भक्तगण उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता जी के बेटों में योगदान देंगे। सर्वप्रथम निवेदन है श्री सुरेश जी से, अपनी मधुर बहन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री सुरेश जी। जय करा मेरी शेरा वाली मैया जी दा बोल सच्चे दरबार की जय, सेवा सुमिरन करके असा उम्र बितानी है, सेवा सुमिरन करके असा उम्र बितानी है,
थोड़ी बनी रवे कृपा असा तोड़ निभौड़िए करके असा उमर बितानिए थोड़ी बनी रवे कृपा असा तोड़ निभौड़िए सेवा सुमिरन करके असा उमर बितानिए थोड़ी बनी रवे कृपा असा तोड़ निभौड़िए सेवा सुमिरन करके असा उमर बितानिए कख सिगलिया दे तू तो गल नल लाया है कख सिगलिया दे तू तो गल नल लाया है कख सिगलिया दे तू तो गल नल लाया है कख सिगलिया दे तू तो गल नल लाया है जिस नाम तो बिछड़े सी वो नाम मिलाया है जिस नाम तो बिछड़े सी वो नाम मिलाया है जिस नाम तो बिछड़े सी वो नाम मिलाया है मेरी माँ का जो दर मिलया ये पाग निशानी है मेरी माँ का जो दर मिलया ये पाग निशानी है वो थोड़ी बनी रवे कृपा असा तोड़ निभौड़िए मां थोड़ी बनी रवे कृपा असा तोड़ निभाणी है सेवा सुमिरन करके असा उमर बितानी है थोड़ी बनी रवे कृपा असा तोड़ निभाणी है सेवा सुमिरन करके असा उमर बितानी है थोड़ी बनी रवे कृपा असा तोड़ निभाणी सुमिरन करके असा उमर बितानी है थोड़े हुक्म नु मन लेना ए सच्ची भगती है मां थोड़े हुक्म नु मन लेना ए सच्ची भगती है थोड़े हुक्म नु मन लेना ए सच्ची भगती है थोड़े हुक्म नु मन लेना सच्ची भगती है थोड़ी मौज दे बिच रहना ए सच्ची मस्ती है मौज दे बिच रहना ए सच्ची मस्ती है थोड़ी मौज दे बिच रहना ए सच्ची मस्ती है थोड़ी मौज दे बिच रहना ए सच्ची मस्ती है बिना कृपा दे होवे ना थोड़ी बनी रवे कृपा असा तोड़ निभौड़िए मां थोड़ी बनी रवे कृपा असा तोड़ निभौड़िए सेवा सुमिरन करके असा उमर बितानिए थोड़ी बनी रवे कृपा असा तोड़ निभौड़िए सेवा सुमिरन करके असा उमर बितानिए सेवा सुमिरन करके असा उमर बितानी है सच बोल के सच कहना अस कदी न डोलांगे सच बोल के सच कहना अस कदी न डोलांगे सच बोल के सच कहना अस कदी न डोलांगे
सच पीछे मर जाना जयकारे बोलागे सच पीछे मर जाना जयकारे बोलागे वो सच पीछे मर जाना जयकारे बोलागे सच पीछे मर जाना जयकारे बोलागे इस जोत विच जोत निकले जो जोत नूरानी ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਜੋਤ ਨਰਾਨੀ ਏ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੀ ਰਵੇ ਕਿਰਪਾ ਹੱਥਾਂ ਤੋੜ ਨਿਭਾਉਣੀ ਏ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੀ ਰਵੇ ਕਿਰਪਾ ਹੱਥਾਂ ਤੋੜ ਨਿਭਾਉਣੀ ਏ ਸੇਵਾ ਸੁਮਿਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸਾਂ ਉਮਰ ਬਿਤਾਉਣੀ ਏ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੀ ਰਵੇ ਕਿਰਪਾ ਹੱਥਾਂ ਤੋੜ ਨਿਭਾਉਣੀ ਏ ਸੇਵਾ ਸੁਮਿਰਨ ਸੇਵਾ ਸੁਨਿਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸਾਂ ਉਮਰ ਬਿਤਾਉਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੀ ਰਵੇ ਕਿਰਪਾ ਅਸਾਂ ਤੋੜ ਨਿਭਾਉਣੀ ਸੇਵਾ ਸੁਨਿਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸਾਂ ਉਮਰ ਬਿਤਾਉਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੀ ਰਵੇ ਕਿਰਪਾ ਅਸਾਂ ਤੋੜ ਨਿਭਾਉਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੀ ਰਵੇ ਕਿਰਪਾ ਅਸਾਂ ਤੋੜ ਨਿਭਾਉਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੀ ਰਵੇ ਕਿਰਪਾ ਅਸਾਂ ਤੋੜ ਨਿਭਾਉਣੀ ਏ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੀ ਰਵੇ ਕਿਰਪਾ ਅਸਾਂ ਤੋੜ ਨਿਭਾਉਣੀ ਏ 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 ਜੈਕਾਰਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਈਆ ਜੀ ਦਾ ਹੋਰ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲੀ ਜੀ ਕਾ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਇਤਨੀ ਸੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਮੇਰੀ हे मैया पूरी कर दो शरण में अपनी लेकर मुझको हाथ मेरे सर पर धर दो मैं तो मांगू प्यार तेरा बस यही धन मुझको माँ तेरा प्यार चाहिए माँ तेरा प्यार चाहिए 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 माँ तेरा प्यार चाहिए माँ तेरा प्यार चाहिए तेरा प्यार चाहिए माँ तेरा प्यार चाहिए बच्चों को दुलार तेरा बेशुमार 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 चाहिए तेरा प्यार चाहिए माँ तेरा प्यार चाहिए तेरा प्यार चाहिए माँ तेरा प्यार चाहिए दूजा कोई जग में न मीत है दूजा कोई जग में न मीत है वो जग में न मीत है 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 एक तेरा प्यार सच्चा सच्ची तेरी प्रीत है एक तेरा प्यार सच्चा सच्ची तेरी प्रीत है
तेरा प्यार सच्चा सच्ची तेरी प्रीत है तेरा प्यार सच्चा सच्ची तेरी प्रीत है वो सच्चा जे प्यार तेरा बार बार चाहिए प्यार तेरा बार बार चाहिए वो सच्चा जे प्यार तेरा बार बार चाहिए प्यार तेरा बार बार चाहिए तेरा प्यार चाहिए माँ तेरा प्यार चाहिए तेरा प्यार चाहिए माँ तेरा प्यार चाहिए ओ बच्चों को दुलार तेरा बेशुमार चाहिए बच्चों को दुलार तेरा बेशुमार चाहिए ओ बच्चों को दुलार तेरा बेशुमार चाहिए बच्चों को दुलार तेरा बेशुमार चाहिए तेरा प्यार चाहिए माँ तेरा प्यार चाहिए तेरा प्यार चाहिए माँ तेरा प्यार चाहिए ओ बच्चों को लिए तो माई सच्ची सरकार है बच्चों के लिए तो माई सच्ची सरकार है ओ बच्चों के लिए तो माई सच्ची सरकार है बच्चों के लिए तो माई सच्ची सरकार है वो सच्ची सरकार है सच्ची सरकार है सच्ची सरकार है वाह सच्ची सरकार है वो दुनिया की दौलतों से महंगा माँ का प्यार है दुनिया की दौलतों से महंगा माँ का प्यार है वो महंगा माँ का प्यार है महंगा माँ का प्यार है महंगा माँ का प्यार है ओ दिल का करार दिल बेकरार चाहिए दिल करार दिल बेकरार चाहिए हाँ दिल का करार दिल बेकरार चाहिए बेकरार चाहिए माँ तेरा प्यार चाहिए माँ तेरा प्यार चाहिए तेरा प्यार चाहिए माँ तेरा प्यार चाहिए तू नित दिन पल पल सुमिरन तेरा हो नित दिन पल पल सुमिरन तेरा हो नित दिन पल पल सिमरन तेरा हो नित दिन पल पल सुमिरन तेरा हो हमेशा मैया तेरा ही बसेरा हो हमेशा मैया तेरा ही बसेरा हो ओ तेरा ही बसेरा हो माँ तेरा ही बसेरा हो तेरा ही बसेरा हो माँ तेरा ही बसेरा हो ओ सपना हमारा होना साकार चाहिए हमारा होना माँ तेरा प्यार चाहिए माँ तेरा प्यार चाहिए तेरा प्यार चाहिए माँ तेरा प्यार चाहिए ओ बच्चों को दुलार तेरा बेशुमार चाहिए दुलार तेरा बेशुमार चाहिए माँ तेरा प्यार चाहिए माँ तेरा प्यार चाहिए प्यार चाहिए जब जब मैया तेरी चौखट पे आऊं मैं जब जब मैया तेरी चौखट पे आऊं मैं ओ जब जब मैया तेरी चौखट पे आऊं मैं जब जब मैया तेरी चौखट पे आऊं हक अपना मैं तेरे प्यार में जताऊं मैं हक अपना मैं तेरे प्यार में जताऊं मैं ओ प्यार में जताऊं मैया प्यार में जताऊं मैं प्यार में जताऊं मैया प्यार में जताऊं मैं भक्तों को बस यही अधिकार चाहिए भक्तों को बस यही अधिकार चाहिए भक्तों को बस यही अधिकार चाहिए बस अधिकार चाहिए तेरा प्यार चाहिए माँ तेरा प्यार चाहिए तेरा प्यार चाहिए माँ तेरा प्यार चाहिए ओ तेरा प्यार चाहिए माँ तेरा प्यार चाहिए
जयकारा शिरवली जी दा सच्चे दरबार की जय। हो मत्था टेक ले मत्था टेक ले हो मत्था टेक ले मैया दे दरिया के मत्था टेक ले मैया दे दरिया के नसीब तेरे खुल जान गे टेक ले मैया दे दरिया के नसीब तेरे खुल जान गे हो मत्था टेक ले मैया दे दरिया के नसीब तेरे खुल जान गे मत्था टेक ले मैया दे दरिया के नसीब तेरे खुल जान गे ओ मां दे चरणा दी धूल मथे लाके नसीब तेरे खुल जान गे मां दे चरणा दी धूल मथे लाके माते चरे नदी तूल मथे लाके नसीब तेरे खुल जान गे माते चरे नदी तूल मथे लाके नसीब तेरे खुल जान गे ओ मत्था टेक ले मैया दे दरिया के नसीब तेरे खुल जान गे मत्था टेक ले मैया दे दरिया के नसीब तेरे खुल जान गे हो मैया दी चौखर ते पक्का चोली अटके बह जा मैया दी चौखर ते पक्का चोली अटके बह जा मैया दी चौखर ते पक्का चोली अटके बह जा मैया दी चौखर ते पक्का चोली अटके बह जा बोल के इक जयकारा मा तो जो चावे हो ले जा बोल के इक जयकारा मा तो जो चावे हो ले जा बोल के इक जयकारा मा तो जो चावे हो ले जा बोल के इक जयकारा मा तो जो चावे हो ले जा ओ अज वेख ले ओ अज वेख ले क्या हो अज देख ले ए गल अजमा के नसीब तेरे खुल जान गे अज देख ले ए गल अजमा के नसीब तेरे खुल जान गे ओ अज देख ले ए गल अजमा के नसीब तेरे खुल जान गे अज देख ले ए गल अजमा के नसीब तेरे खुल जान गे ओ मत्था टेक ले मैया दे दरिया के नसीब तेरे खुल जान गे मत्था टेक ले मैया दे दरिया के नसीब तेरे खुल जान गे ओ माते चरना दा चरना मत पींदे कर्मा वाले 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 मैया दी भक्ति दी चाबी खोले सुख दे ताले मैया दी भक्ति दी चाबी खोले सुख दे ताले ओ मैया दी भक्ति दी चाबी खोले सुख दे ताले ओ मैया दी भक्ति दी चाबी खोले सुख दे ताले ओ शेरा वाली दा जय हो शेरा वाली दा जय हो शेरा वाली दा जयकारा बुलवा के नसीब तेरे खुल जान गे शेरा वाली दा जयकारा बुलवा के नसीब तेरे खुल जान गे शेरा वाली दा जयकारा बुलवा के नसीब तेरे खुल जान गे शेरा वाली दा जयकारा बुलवा के नसीब तेरे खुल जान गे मत्था टेक ले मैया दे दरिया के नसीब तेरे खुल जान गे मत्था टेक ले मैया दे दरिया के नसीब तेरे खुल जान गे ओ मां दे चरणा दी धूल मथे लाके नसीब तेरे खुल जान गे ओ मां
ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਨਸੀਬ ਤੇਰੇ ਫੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਤੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ ਚਿੰਤਪੂਰਣੀ ਮਾਤਾ, ਤੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ ਚਿੰਤਪੂਰਣੀ ਮਾਤਾ, ਔਰ ਤੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ ਚਿੰਤਪੂਰਣੀ ਮਾਤਾ, ਤੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ ਚਿੰਤਪੂਰਣੀ ਮਾਤਾ। ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕਰਾ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਮਈਆ ਦਾ ਜਗਰਾਤਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕਰਾ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਮਈਆ ਦਾ ਜਗਰਾਤਾ, ਹੋ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕਰਾ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਮਈਆ ਦਾ ਜਗਰਾਤਾ, ਹੋ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕਰਾ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਮਈਆ ਦਾ ਜਗਰਾਤਾ। ਜੋਤ ਜਵਾਲਾ ਦੀ ਆਓ, ਜੋਤ ਜਵਾਲਾ ਦੀ ਆਓ, ਜੋਤ ਜਵਾਲਾ ਮਾਦੀ ਕਰ ਜਗਾ ਕੇ ਨਸੀਬ ਤੇਰੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਜੋਤ ਜਵਾਲਾ ਮਾਦੀ ਕਰ ਜਗਾ ਕੇ ਨਸੀਬ ਤੇਰੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈ ਮਈਆ ਦੇ ਦਰਿਆ ਕੇ ਨਸੀਬ ਤੇਰੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈ ਮਈਆ ਦੇ ਦਰਿਆ ਕੇ ਨਸੀਬ ਤੇਰੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਮਦ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂਲ ਮੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਨਸੀਬ ਤੇਰੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਮਦ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂਲ ਮੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਨਸੀਬ ਤੇਰੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਵਾਲੀ ਮੇਰ ਹੈ ਕਰਦੀ ਸਭਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹਰਦੀ, ਮੇਰਾ ਵਾਲੀ ਮੇਰ ਹੈ ਕਰਦੀ ਸਭਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹਰਦੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਵਾਲੀ ਮੇਰ ਹੈ ਕਰਦੀ ਸਭਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹਰਦੀ, ਮੇਰਾ ਵਾਲੀ ਮੇਰ ਹੈ ਕਰਦੀ ਸਭਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹਰਦੀ। ਮਾਂ ਬਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀ ਭਰਦੀ, ਉਹ ਬਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀ ਭਰਦੀ, ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀ ਭਰਦੀ, ਉਹ ਬਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀ ਭਰਦੀ। ਸਾਰੇ ਦੁੱਖੜੇ ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖੜੇ ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖੜੇ ਹੈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਸੀਬ ਤੇਰੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖੜੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਸੀਬ ਤੇਰੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖੜੇ ਹੈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਸੀਬ ਤੇਰੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖੜੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਸੀਬ ਤੇਰੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈ ਮਈਆ ਦੇ ਦਰਿਆ ਕੇ ਨਸੀਬ ਤੇਰੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈ ਮਈਆ ਦੇ ਦਰਿਆ ਕੇ ਨਸੀਬ ਤੇਰੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਮਾਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂਲ ਮੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਨਸੀਬ ਤੇਰੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਮਾਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂਲ ਮੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਨਸੀਬ ਤੇਰੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈ ਮਈਆ ਦੇ ਦਰਿਆ ਕੇ ਨਸੀਬ ਤੇਰੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈ ਮਈਆ ਦੇ ਦਰਿਆ ਕੇ ਨਸੀਬ ਤੇਰੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈ ਮਈਆ ਦੇ ਦਰਿਆ ਕੇ ਨਸੀਬ ਤੇਰੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈ ਮਈਆ ਦੇ ਦਰਿਆ ਕੇ ਨਸੀਬ ਤੇਰੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਨਸੀਬ ਤੇਰੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਨਸੀਬ ਤੇਰੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਨਸੀਬ ਤੇਰੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਨਸੀਬ ਤੇਰੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਨਸੀਬ ਤੇਰੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਨਸੀਬ ਤੇਰੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ਰਵਨ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲ ਕਿਚ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਬਿਠਾਣਾ ਏ, ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਬਿਠਾਣਾ ਏ, ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਏ, ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਏ, ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਬਿਠਾਣਾ ਏ, ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਬਿਠਾਣਾ ਏ, ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਏ, ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਈਆ ਰੁੱਛਣਾ ਨੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਈਆ ਰੁੱਛਣਾ ਨੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਉਲਾਈਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਉਲਾਈਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਈਆ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਉਲਾਈਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਉਲਾਈਦਾ, ਕੌਣ ਜਾਣਿਆ ਸੀ ਮਈਆ ਰਹਿਣਾ ਏ ਜਾਣਾ ਏ,
मैया रहनाए के जानाए काल मेरे नाल तनु कर ले के जानाए काल मेरे नाल तनु कर ले के जानाए दिल वाली पाल की तू तनु मां बिठानाए दिल वाली पाल की तनु मां बिठानाए काल मेरे नाल तनु कर ले के जानाए काल मेरे नाल तनु कर ले के जानाए ਸਾਡਿਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਮਾਲ ਫੀਰਾ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਮਾਲ ਫੀਰਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸਭ ਦੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸਭ ਦੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਿਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਮਾਲ ਕੀਰਾ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਮਾਲ ਕੀਰਾ ਨੇ ਤੇਰਿਆਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸਭ ਦੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਨੇ ਤੇਰਿਆਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸਭ ਦੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਨੇ ਟੁੱਟਿਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਗਾਣਾ ਏ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਗਾਣਾ ਏ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਏ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਏ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲ ਕਿਤ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਬਿਠਾਣਾ ਏ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲ ਕਿਤ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਬਿਠਾਣਾ ਏ ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਏ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆਸੇ ਮੇਰੇ ਨੈਣ ਨੇ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਮੇਰੇ ਨੈਣ ਨੇ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਤੋਰ ਮਈਆ ਡੋਬ ਦੇ ਜਤਾਰ ਦੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਤੋਰ ਮਈਆ ਡੋਬ ਦੇ ਜਤਾਰ ਦੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਮੇਰੇ ਨੈਣ ਨੇ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੋਰ ਮਈਆ ਡੋਬ ਦੇ ਜਤਾਰ ਦੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੋਰ ਮਈਆ ਡੋਬ ਦੇ ਜਤਾਰ ਦੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਦਾਤੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਏ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਦਾਤੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਏ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਏ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਏ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲ ਕਿਤ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਬਿਠਾਣਾ ਏ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਪਾਲ ਕਿਤ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਬਿਠਾਣਾ ਏ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਏ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਦਾਸੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਰੱਖੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਕੇ ਦਾਸੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਰੱਖੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਤੇਰੇ ਆ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਈਆ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇਰੇ ਆ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਈਆ
ਨਹੀਂ ਬੈਗੀ ਖੁਦ ਵੀ ਨਰੋਣਾ ਏ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਰੁਲਾਣਾ ਏ ਖੁਦ ਵੀ ਮਰੋਣਾ ਏ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਰਵਾਣਾ ਏ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਏ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਏ ਵਾਲੀ ਪਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਬਿਠਾਣਾ ਏ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਏ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਏ ਸੱਚੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਇਹ ਬੇਨਤ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਯਸ਼ਪਾਲ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਭਵਾਨੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਕੋ ਛੋੜ ਕਰ ਕਿਸ ਦਰ ਜਾਉ ਮੈਂ ਭਵਾਨੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਕੋ ਛੋੜ ਕਰ ਕਿਸ ਦਰ ਜਾਉ ਮੈਂ ਭਵਾਨੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਕੋ ਛੋੜ ਕਰ ਕਿਸ ਦਰ ਜਾਉ ਮੈਂ ਭਵਾਨੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਕੋ ਛੋੜ ਕਰ ਕਿਸ ਦਰ ਜਾਉ ਮੈਂ ਸਭ ਸੇ ਯਾਦ ਬੁਲਾਈ ਤੇਰੀ ਲਾਖੋਂ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾਏ ਹੈ ਲਾਖੋਂ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾਏ ਜਬ ਸੇ ਯਾਦ ਭੁਲਾਈ ਤੇਰੀ ਲਾਖੋਂ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾਏ ਹੈ ਲਾਖੋਂ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾਏ ਹੈ ਨਾ ਜਾਣੂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨੇ ਪਾਪ ਕਮਾਏ ਕਿਤਨੇ ਪਾਪ ਕਮਾਏ ਨਾ ਜਾਣੋ ਇਸ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨੇ ਪਾਪ ਕਮਾਏ ਹੈ ਕਿਤਨੇ ਪਾਪ ਕਮਾਏ ਹੈ ਅਬ ਹੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਆਪ ਸੇ ਕਿਆ ਬਦਲਾਉ ਮੈਂ ਭਵਾਨੀ ਹੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਆਪ ਸੇ ਕਿਆ ਬਦਲਾਉ ਮੈਂ ਭਵਾਨੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਕੋ ਛੋੜ ਕਰ ਕਿਸ ਦਰ ਜਾਉ ਮੈਂ ਭਵਾਨੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਕੋ ਛੋੜ ਕਰ ਕਿਸ ਦਰ ਜਾਉ ਮੈਂ ਭਵਾਨੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਕੋ ਛੋੜ ਕਰ ਕਿਸ ਦਰ ਜਾਉ ਮੈਂ ਤੂੰ ਹੈ ਅੰਬੇ ਵਰੋਂ ਪਿਤਾ ਤੁਝ ਸੇ ਸਭ ਵਰ ਪਾਤੇ ਹੈ ਤੁਝ ਸੇ ਸਭ ਵਰ ਪਾਤੇ ਤੂੰ ਹੈ ਅੰਬੇ ਵਰੋਂ ਕੀ ਦਾਤੀ ਤੁਝ ਸੇ ਸਭ ਵਰ ਪਾਤੇ ਹੈ ਤੁਝ ਸੇ ਸਭ ਵਰ ਪਾਤੇ ਹੈ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਔਰ ਯੋਗੀ ਸਨ ਤੇਰੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਤੇ ਹੈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਤੇ ਹੋ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਔਰ ਯੋਗੀ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਤੇ ਹੈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਤੇ ਹੈ ਅਬ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਦੂੰ ਗਿਆਨ ਕਾ ਹੋਸ਼ ਮਿਆਉ ਮਾਂ ਭਵਾਨੀ ਛੋੜ ਕਰ ਕਿਸ ਦਰ ਜਾਉ ਮੈਂ ਭਵਾਨੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਕੋ ਛੋੜ ਕਰ ਕਿਸ ਦਰ ਜਾਉ ਮੈਂ ਭਵਾਨੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਕੋ ਛੋੜ ਕਰ ਕਿਸ ਦਰ ਜਾਉ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਧਰਮ ਹੀ ਤੁਝਦੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨ ਕਰਨੇ ਦੇਤੇ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨ ਕਰਨੇ ਦੇਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਹੀ ਤੁਝਸੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨ ਕਰਨੇ ਦੇਤੇ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨ ਕਰਨੇ ਦੇਤੇ ਹੈ ਅਭੀ ਜੋ ਚਾਹੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਸੇ ਰੋਕ ਮੁਝੇ ਦੇਤੇ ਹੈ ਰੋਕ ਮੁਝੇ ਦੇਤੇ ਹਾਂ ਕਭੀ ਜੋ ਚਾਹੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਸੇ ਰੋਕ ਮੁਝੇ ਯੇ ਲੇਤੇ ਹੈ ਰੋਕ ਮੁਝੇ ਯੇ ਲੇਤੇ ਹੈ ਭਵਾਨੀ ਕੈਸੇ ਅੰਬੇ ਆਪਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਉ ਮੈਂ ਭਵਾਨੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਕੋ ਛੋੜ ਕਰ ਕਿਸ ਦਰ ਜਾਉ ਮੈਂ ਭਵਾਨੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਕੋ ਛੋੜ ਕਰ ਕਿਸ ਦਰ ਜਾਉ ਮੈਂ ਭਵਾਨੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਕੋ ਛੋੜ ਕਰ ਕਿਸ ਦਰ ਜਾਉ ਮੈਂ ਭਵਾਨੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਕੋ ਛੋੜ ਕਰ ਕਿਸ ਦਰ ਜਾਉ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਉਮਰ ਸੰਭਾਲੂ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਉਮਰ ਸੰਭਾਲੂ ਮੈਂ ਹੋ ਜੋ ਬੀਤੀ ਸੋ ਬੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਉਮਰ ਸੰਭਾਲੂ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਉਮਰ ਸੰਭਾਲੂ ਮੈਂ ਹੇਮ ਪਾਸ਼ ਮੈਂ ਬਣਾ ਮਾਂ ਮੈਂ
वाणी सुनता मेरी कौन है जिसे सुनाऊं मैं भवानी के नजर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं भवानी के दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं भवानी के नजर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं भवानी तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं भवानी तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं करा शरण बोल सच्चे दरबार की जय एक बहन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री सुरेश जय करा मेरी शेरों वाली मैया जी का बोल सच्चे दरबार की जय मेरी शेरों वाली मैया रे मेरी मेहरों वाली मैया रे मेरी शेरों वाली मैया रे अपार तुम्हारे बिना इस विरह व्यथा को कहाँ तक गाऊं इस विरह व्यथा को कहाँ तक गाऊं इस विरह व्यथा को कहाँ तक गाऊं हंस देती हो तुम भी मैया जब मैं अपना दुख दर्द सुना मैया तुम्हें कैसे अपना दिल चीर दिखाओ कैसे अपना दिल चीर दिखाओ कैसे अपना दिल चीर दिखाओ मेरे शेरों वाली मैया रे मेरी मेहरों वाली मैया रे मेरी शेरों वाली मैया नहीं तुम्हें बिसारते हैं तूने मेरी याद बिसारी है क्यों तूने मेरी याद बिसारी है क्यों तूने मेरी याद बिसारी है क्यों ओ के दिनों की बंधु है मां ना पूछी बात हमारी है क्यों जब लाखों पापी तार दिए फिर मेरी बार इनकारी है क्यों फिर मेरी बार इनकारी है क्यों फिर मेरी बार इनकारी है क्यों मेरी शेरों वाली मैया
से हमको इसकी परवाह नहीं, हमें चाह है अपनी मैया की, किसी और की हमको चाह नहीं, किसी और की हमको चाह नहीं, किसी और की हमको चाह नहीं। कोई आए तो बैठे पलकों पर, जाए तो कोई इनकार नहीं, हम चाह करें अपनी मैया के हैं, किसी और के ताबेदार नहीं, किसी और के ताबेदार नहीं, किसी और के ताबेदार नहीं। मेरी शेरों वाली मैया रे, मेरी मेहरों वाली मैया रे, मेरी शेरों वाली मैया रे, मेरी जोतों वाली मैया रे, मेरी लाटों
मेरी जोतों वाली मैया रे, मेरी जोतों वाली मैया रे, मेरी मेरों वाली मैया रे, मेरी मेरों वाली मैया रे, मेरी शेरों वाली मैया, मेरी शेरों वाली मैया रे। जय करा मेरी शेरों वाली मैया जी का, बोल सच्चे दरबार की जय। एक घन प्रश्न कर रहे हैं श्री विजय कुमार। जयकारा शेरा वाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय। ओ जी ना रखिया तेरे ते मारी डोरा, ओते कदे ढोल दे नीलो। जी ना रखिया तेरे ते मारी डोरा, ओते कदे ढोल दे नीलो। ओ जी ना रखिया तेरे ते मारी डोरा, ओते कदे ढोल दे नीलो। जी ना रखिया तेरे ते मारी डोरा, ओते कदे ढोल दे नीलो। ओ ढोल दे नहीं ओ मुआ ढोल दे नहीं ओ शुभ संबत 2076 उदयन उत्तर गोल बसंत ऋतु चैत्र मास के आज 31 प्रविष्ट हैं। शुक्ल पक्ष आज अष्टमी तिथि है। अष्टमी आज प्रातः 11:42 तक है। तत्पश्चात नवमी तिथि है। अतः आज रामनवमी का जो पूर्णाहुति है वो 1 बजे होगी और सभी श्रद्धालु भक्तजन उसके लिए सादर आमंत्रित हैं।
आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्य कर्मी हैं जिनका आज दुर्गा अष्टमी तथा रामनवमी के दिन माता के चरणों में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सभी का माता जी के दिव्यांगन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन तथा वैष्णो माता दरबार की ओर से आपके साथ विश्व के सभी मातृभक्तों को भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव पुत्रवान भव श्रीमान यशस्वी भव प्रज्ञावान भव भूरि भूति कर्णे दाने कनिष्ठो भव तेजस्वी भव बैरी दर्भ दलने व्यापार दक्षो भव श्री शंभोर भव पाल पूर्णता सर्वोपकारी भव मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा शत्रुनाम बुद्धि नाचो अस्तु मित्राणामुदयस्तव श्रीर्वर्चस्व आयुष्यमारोग्यमाभिधात् शुभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं सत्सवत्सं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। आपकी दीर्घायु हो, आपको आरोग्यता प्राप्त हो, आप धन धन से संपन्न हो। जिन मंत्रों का आपने श्रवण किया वे सभी सफल एवं सार्थक फल देने वाले हों। आप सदैव धर्मानुकूल कर्म करते हुए उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हों। सचियां जोता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरा वाली जीदा और सच्चे दरबार की जय। जिन कन्याओं का जहां आंगन में पूजन होगा उनके माता पिताओं से प्रार्थना है कि वह जहां खड़े ना होकर के बाहर लाइन में खड़े हों और पूजन उपरांत कन्याएं वहीं उनको मिल जाएंगी। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा छेरा वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की जय। सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते माता जी आरती बोलेंगे। आपकी पुस्तिका के अंत पृष्ठ पर आरती लिखी हुई है, सभी बोलेगा। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी तुमको निश दिन जावत मैया जी को निश दिन जावत हरि मंगा तिवरी। ओम जय अम्बे गौरी भाग से को उज्जल से दो नैना उज्जल से दो नैना रंगवरणी। ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेव रक्तांबर राजे मैया रक्तांबर राजे रक्त पुष्प गल माला रक्त पुष्प गल माला कण पर साज। ओम जय अम्बे गौरी हे हरि वाहन राज खड़ग खपर धारी मैया खड़ग खपर धारी सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर मुनि जन सेवत के दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी आनन कुंडल चोर नासाग्रे मोदी मैया नासाग्रे मोदी कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक चंद्र दिवाकर अमराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी कुंभन शुंभ विरार महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना धूम्र विलोचन नैना दिन मनवाती। अम्बे गौरी दंड मुंड संहार शोणित बीज हरे मैया शोणित बीज हरे मधु कैटव दो मारे मधु कैटव दो मारे सुनया ही न करे। ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्मी रोजगारी तुम कमला रानी हो मैया तुम कमला रानी
ਗਮ ਬਖਾਨੇ ਤੁਮ ਸ਼ਿਵ ਪਟ ਰਾਣੀ ਓਮ ਜੈ ਅੰਬੇ ਗੌਰੀ ਚੌਸਠ ਯੋਗਿਨੀ ਗਾਵ ਨਿਤ ਕਰਤ ਭੈਰੋ ਮਈਆ ਨਿਤ ਕਰਤ ਭੈਰੋ ਬਾਜਤ ਤਾਲ ਮ੍ਰਿਦੰਗਾ ਬਾਜਤ ਤਾਲ ਮ੍ਰਿਦੰਗਾ ਔਰ ਬਾਜਤ ਡਮਰੂ ਓਮ ਜੈ ਅੰਬੇ ਗੌਰੀ ਤੁਮ ਹੀ ਜਗ ਕੀ ਮਾਤਾ ਤੁਮ ਹੀ ਹੋ ਭਰਤਾ ਮਈਆ ਤੁਮ ਹੀ ਹੋ ਭਰਤਾ ਭਗਤਨ ਕੀ ਦੁੱਖ ਹਰਤਾ ਭਗਤਨ ਦੁਖ ਹਰਤਾ ਸੁਖ ਸੰਪਤਿ ਕਰਤਾ ਓਮ ਜੈ ਅੰਬੇ ਗੌਰੀ ਪੂਜਾਚਾਰ ਅਤਿ ਸੋਹਰ ਮੁਦਰਾ ਧਾਰੀ ਓ ਮਈਆ ਵਰ ਮੁਦਰਾ ਧਾਰੀ ਮਨ ਵਾਚਿਤ ਫਲ ਪਾਵਤ ਮਨ ਵਾਚਿਤ ਫਲ ਪਾਵਤ ਸੇਵਕ ਨਰ ਨਾਰੀ ਮਾਲ ਕੇ ਤੁਮੇ ਰਾਜਤ ਕੋਟਿ ਰਤਨ ਜੋਤਿ ਓਮ ਜੈ ਅੰਬੇ ਗੌਰੀ ਅੰਬੇ ਜਿਤੀ ਆਰਤੀ ਜੋ ਕੋਈ ਨਿਤ ਗਾਵੇ ਓ ਮਈਆ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਗਾਵੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੀ ਦਾ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਕਮਾ ਕਰੋ ਅਪਰਾਧ ਚਰਨ ਮਾ ਆਇਆ ਕਮਾ ਕਰੋ ਅਪਰਾਧ ਚਰਨ ਮਾ ਆਇਆ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੂ ਦਾਰ ਨਸ਼ੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੂ ਦਾਰ ਨਸ਼ੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਸਭ ਸੰਕਟ ਤਾਰੇ ਦੇਵੋ ਕੇ ਸਭ ਸੰਕਟ ਤਾਰੇ ਰਕਤ ਬੀਜ ਮਧੁ ਕੇ ਦਭ ਮਾਰੇ ਰਕਤ ਬੀਜ ਮਧੁ ਕੇ ਦਭ ਮਾਰੇ ਸ਼ੁੰਭ ਨਿਸ਼ੁੰਭ ਅਸੁਰ ਸੰਹਾਰੇ ਸ਼ੁੰਭ ਨਿਸ਼ੁੰਭ ਅਸੁਰ ਸੰਹਾਰੇ ਕੀਆ ਭਗਤ ਕਲਿਆਣ ਸ਼ਰਨ ਮਾਇਆ ਕੀਆ ਭਗਤ ਕਲਿਆਣ ਸ਼ਰਨ ਮਾਇਆ ਘੇਰਾ ਮਾਮੀ ਪਦਾਨੇ ਮੁਝੇ ਹੈ ਘੇਰਾ ਤੇਰੇ ਅਬ ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬਿਨ ਤੇਰੇ ਅਬ ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਦੀਨ ਬੰਧੂ ਮਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇਰਾ ਦੀਨ ਬੰਧੂ ਮਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕਰੋ ਸਫਲ ਨਿਜ ਨਾਮ ਕਰਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਪੂਜਾ ਭੇਟਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਮੰਤਰ ਯੰਤਰ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਭੁਲਾਇਆ ਮੰਤਰ ਯੰਤਰ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਭੁਲਾਇਆ ਪਾਪ ਭਾਰ ਤੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਪਾਪ ਭਾਰ ਤੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਮਾਤਾ ਕਰ ਕਲਿਆਣ ਚਰਨ ਮਾਇਆ ਮਾਤਾ ਕਰ ਕਲਿਆਣ ਚਰਨ ਮਾਇਆ ਤੁਮ ਨੇ ਤਾਰਾ ਸਾਰਥ ਰਥ ਨਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰਥ ਰਥ ਨਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕੁਪੁੱਤਰ
जगत में होते पुत्र कपुत्र जगत में होते माता देखे उन्हें न रोते माता देखे उन्हें न रोते वैष्णों का कल्याण शरण माया वैष्णों कर कल्याण शरण माया हो क्षमा करो अपराध शरण शरण माया हो माता वैष्णो द्वार में शीश झुकाया हो माता वैष्णो द्वार में शीश झुकाया हो बच्चिया डोटा वाली माता तेरी सदा करा शेरा वाली जी बोल सच्चे दरबार की जय। अभी हम निवेदन कर रहे हैं आपके अनुदान द्वारा विश्व कल्याणार्थ इस करवाए जा रहे महाचंडी यज्ञ के आचार्य कर्मकांड भास्कर सर्वशास्त्र निष्णात डॉक्टर विश्वमूर्ति शास्त्री जी से अपने आशीर्वचनों द्वारा भक्तजनों को उपकृत करें। परम श्रद्धे श्री गुरु जी विद्युद्दाम समप्रभां मृगपतिं स्कंधस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेट विलसत् हस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेट विशिखां चापङ्गुणं तर्जुनीं बिभ्राणामणलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भये समादरणीय यज्ञ के प्रधान यजमान यहाँ के प्रशासक श्री नरेश कुमार शर्मा जी सपत्नी एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव श्री विवेक वर्मा जी सभी श्राइन बोर्ड के अधिकारीगण सभी विद्वज्जन भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों से आए हुए सभी भक्तजन आज अष्टम नवरात्र के अवसर पर और नवम नवरात्र के अवसर पर आपका इस सिद्धपीठ पर अभिनंदन आपका स्वागत। सर्वप्रथम मैं ये कहूंगा कि आज आप दोनों शक्तियों के दर्शन कर रहे हैं उनमें एक हैं महागौरी दूसरी हैं सिद्धिदात्री। जैसे कि आपको कहा है कि नवरात्र तो नौ ही होने चाहिए थे इस बार सप्तमी और अष्टमी और नवमी एक साथ आई जिस कारण से हम यहाँ आठ ही नवरात्र जो है मना रहे हैं। हमारा परंपरा से जो चली आ रही है यहाँ की जो बात है वह ये है कि सप्तमी विद्या अष्टमी को हम लेते नहीं हैं और नवमी जब मध्यान्ह व्यापनी हो दोपहर के समय में नवमी हो तो उस नवमी को हम यहाँ पर हवन करते हैं। आज पूरे भारतवर्ष में जिन लोगों ने क्षेत्री बिजी हुई है जबांकुर आरोपण किए हुए हैं वे सभी लोग कन्या पूजन करके और क्षेत्री को विसर्जित करेंगे। बहुत से लोगों ने पूछा बहुत से फोन आए कि कल इसका यदि हम पारण करें तब क्या होगा। उसमें कल भी 9:00 मेरे ख्याल में 36 मिनट तक नवमी है। आज जो है अष्टमी ये 11:42 तक है उसके बाद नवमी लग जानी है। भगवान राम की जो तिथि है रामनवमी जिसको बोलते हैं वो भी मध्यान्ह व्यापनी है और हम जहाँ पर जो हवन करते हैं प्रतिवर्ष वो भी मध्यान्ह व्यापनी जब नवमी होती है उसी समय हम करते हैं। जो लोग आज
अष्टमी के नवरात्र रख करके अष्टमी की दिन कन्या पूजन कर रहे हैं वो भी आज पूजन कर सकते हैं, और 11:42 के बाद नवमी की भी कन्याओं का पूजन कर सकते हैं, मतलब नवमी की तिथि को लेकर के। उसमें एक और बात थी कि आज करने से शाखा का जब विसर्जन करना है हमने वो आज भली प्रकार से कर सकते हैं। कल रविवार हो जाएगा और रविवार में शाखा विसर्जन करना जो है वो इतना अच्छा नहीं माना जाता। उसके बाद यदि हम परसों सोमवार को करते हैं तो सोमवार को दशमी तिथि शाखा विसर्जन के लिए एक उपयुक्त नहीं, शाखा प्रवाहित करने के लिए विसर्जन के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है। इसीलिए हम आज अष्टमी और नवमी दोनों नवरात्र और दोनों देवियों की पूजा करके आज ही हम 1 बजे दोपहर इस यज्ञ की पूर्णाहुति करने जा रहे हैं। मैं इस अवसर पर हमारे श्राइन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं माननीय श्री राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक जी और चीफ एग्जीक्यूटिव श्राइन बोर्ड के श्री सिमरनजीत सिंह जी और श्राइन बोर्ड के अन्य अधिकारियों को इस अवसर पर मैं सभी विद्वानों की ओर से और प्रधान यजमान हमारे नरेश कुमार शर्मा जी जो हैं इनकी ओर से मैं उनको बधाई देता हूं अष्टमी और नवमी की। और जितनी श्रद्धा से जितने सद्भाव से आपने यह यज्ञ करवाया और विश्व कल्याण के लिए, मैं समझता हूं कि विश्व में होने वाले जो अरिष्ट हैं वो अवश्य दूर होंगे। सर्वप्रथम मैं महागौरी और सिद्धिदात्री के विषय में कह करके अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा और शुभकामनाएं देना चाहूंगा आप सबको कि कितने भाग्यशाली हैं आप कि इन बासंती नवरात्रों के अवसर पर, समापन के अवसर पर, सिद्ध पीठ पर बेष्टमी दरबार में आप यहां पर उपस्थित हैं। महागौरी इसको क्यों कहा जाता है, इन्होंने अपने पार्वती रूप में शंकर भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ी घोर तपस्या की थी, बहुत कठिन तपस्या की थी। इनकी इच्छा थी कि ब्रजेहम वरदम शंभुम नान्यम देवम महेश्वरात, अगर मैं वरण करूंगी विवाह करूंगी तो मैं शंकर भगवान के साथ करूंगी, उसके अलावा और मैं किसी देवी किसी के साथ नहीं करूंगी, किसी देवता के साथ। स्वामी तुलसीदास जी ने भी इसी बात को लेकर के कहा कि इतनी कठिन तपस्या करने की जो प्रतिज्ञा की थी कि वरहूं शंभु न त रहूं कुवारी, जन्म कोटि लगी रजर हमारी, वरहूं शंभु न त रहूं कुवारी, हमारे इतने जन्म बीत गए और मेरी एक ही विनती है, एक ही ठन है कि मैं शंकर भगवान का ही वरण करूंगी और किसी का नहीं करूंगी। और आप जानते हैं कि जिस जगह पर परिश्रम हो, उपासना हो, तपस्या हो और उस तपस्या से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। आखिर भगवान शंकर इस पर प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के उन्होंने एक कहा कि पार्वती तुम्हारी इच्छा पूर्ण हुई। उससे पहले एक हमारे काव्यों में इस प्रकार की बात आई है कि शंकर भगवान पार्वती को जानने के लिए कि क्या ये सचमुच मुझे चाहती है, तो उन्होंने ब्रह्मचारी का छोटे ब्रह्मचारी का वेश धारण किया और वो चले गए पार्वती के पास। उन्होंने कहा कि हे पार्वती, किसको तू इतना अपना पति मानना चाह रही है, किसका तू वरण कर रही है। बबुर विरूपाक्षमलक्ष जन्मता दिगंबर स्पीर निवेदितम वसु वरेशु यद बाल मृगाक्ष मृज्यते तदस्ति किम व्यस्तम पितृलोचने, जिसका शरीर बेढंगा है, सब लोगों की 2 आंखें होती हैं और यहां पर इसकी 3 आंखें हैं, अलक्ष्य जन्मता जिसके माता पिता किसका पता नहीं भी कहां का इनका जन्म हुआ है, दिगंबरत्वेन निवेदितं वसु जिनकी दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, और उन वरों में भी आप इस प्रकार के त्रिलोचन को आप वर के रूप में प्राप्त करना चाह रही हो,
जब पार्वती को यह पता चला तो पार्वती ने अपनी सहेलियों को कहा कि निवार्यता हम मालिकी मप्य सौ बटो पुनर्विभिक्षु स्फुरित उत्तराधर न केवलम यो महतोपभाषते शृणोदी तस्माद भी यह सपाप भाग। आप जब भक्ति करते हैं तो भक्ति में कई प्रकार की विघ्न बाधाएं आती हैं और आपकी भक्ति को वो खराब कर देते हैं। आप अभी भी अपनी भक्ति को ठीक प्रकार से नहीं व्यवस्थित कर पा रहे हैं। आपकी भक्ति, मैं आपको कह रहा हूं, आपकी भक्ति भंग हो रही है। आप दरबार में हैं और भक्ति भंग करने के लिए कई चीजें आ जाती हैं और यदि उसमें उलझ जाएंगे तो आपकी भक्ति खराब हो जाएगी। उसके बाद पार्वती ने जब ये कहा कि सहेलियों आप जहां से चले जाओ, इनको निकालो जहां से, इस बटू को, ब्रह्मचारी को जहां से निकालो, क्योंकि उनके विषय में कहना ही नहीं बल्कि उनके विषय में खराब गलत सोचना भी जो है ये पाप का भागी होता है। तो भगवान शंकर को ये पता चल गया कि ये मुझे ही चाहती है। उसके बाद तपस्या से, कई वर्षों की तपस्या से उसका शरीर काला पड़ गया था। गंगा में गए, वहां पर जाकर के नहाए और नहाने के बाद शरीर की सारी मैल जो थी वो निकली। उसके बाद गौर वर्ण उसका सामने आ गया। उस दिन से इनको महागौरी कहने लगी। इस महागौरी का स्वरूप बहुत शांत और बड़े एक कांतिदायक और भक्तों को सब प्रकार के समिहित कार्यों को देने वाला, समिहित सिद्धियों को देने वाला है। आप भगवती की उपासना करें और भगवती आरती के समय में भी आप अपने वरदान को प्राप्त करने के लिए प्रार्थनाएं करेंगे। ये समय बार बार नहीं आता है, न जाने कितना आशीर्वाद भगवती का हुआ, कितना आशीर्वाद आपके इष्ट देवताओं का हुआ कि इस जगत जननी माँ के चरणों में आकर के एक इस प्रकार से शीश नवा रहे हैं अपने मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए और विश्व के जितना विश्व में शांति देने के लिए। मैं इस समय आपको एक बात और कहूंगा कि भगवती के दरबार में आकर सच्चे हृदय से आप जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा, क्योंकि मां ही इस प्रकार का ऐसा वरदान दे सकती है और कोई नहीं। आज देश में कन्याओं का पूजन हो रहा है और छोटी छोटी कन्याओं का पूजन, 8 साल की कन्या जो होती है उसको गौरी संज्ञा कहा जाता है। जिस भगवती मां के दर्शन कर रहे हैं वो 8 साल की है और 10 वर्षा चरोहिणी ने 8 वर्षा भवेद गौरी, 9 वर्षा चरोहिणी, जो 9 साल की कन्या होती है उसको रोहिणी कहा जाता है, रोहिणी संज्ञा कही गई है। 10 वर्षा भवेद कन्या, 10 साल की कन्या को कन्या नाम से कहा गया है। और ऐसे कन्याओं का पूजन और कन्या पूजन करने के बाद प्रतिज्ञा लें कि कन्या मातृशक्ति का रूप है, मां समय करके हमने इसको इसका पूजा है, मां समय करके हमने ये कन्याओं का पूजन किया है, इन पर कभी भी कोई किसी प्रकार की विपत्ति ना आए और यदि कोई आएगी तो उसका भरपूर एक बदला जो है वो उसका देने के लिए आप तैयार रहेंगे। मातृशक्ति सुरक्षित है, कन्याएं सुरक्षित हैं तो देश हमारा सुरक्षित है। और ये हमारे जो युवा वर्ग हैं, युवा वर्गों का बहुत दायित्व है। युवा वर्ग अपने आप में एक इस प्रकार से अपने आप को नैतिकता के आधार पर, अनुशासन के आधार पर, आचरण के आधार पर ऐसा व्यवस्थित करें कि देश जो है वो एक ठीक प्रकार से अग्रसर हो और देश में सब प्रकार की एक गुणवत्ता जो है वो आए। मैं महागौरी के विषय में ये कह करके, आप प्रणाम करें महागौरी को और भगवती महागौरी आपको समिहित अभिलाषाएं आपकी पूर्ण करें। उसके बाद आती है सिद्धिदात्री। जितने भी भक्तजन प्रथम नवरात्र से पूजा पाठ कर रहे हैं वो सिद्धिदात्री के लिए ही कर रहे हैं कि मेरे काम जो है वो सिद्ध हों, सिद्धिदात्री के पास तक पहुंचूं और वहां पर मेरी जो अभिप्सित आशाएं थी जिन मंत्रों को लेकर के हमने जप किया, पूजा की, पाठ की और वो आशाएं हमें भली प्रकार से मेरी आशाएं पूर्ण हों। अब आज दिन आ गया है सिद्धिदात्री से वर को प्राप्त करने के लिए और सिद्धिदात्री का दिन पूजन नवम दिन में होता है। ऐसे नव अष्टमी और नवमी होने के कारण से इस दिन आप इसका पूजन कर रहे हैं। और ये सिद्धिदात्री एक
मार्कंडेय पुराण के आधार पर जो आठ प्रकार की सिद्धियां हैं, अनिमा है, महिमा है, गरिमा है, लघिमा है, प्राप्ति है, प्राकाम्य है, इषित्व है और वशित्व है। ये आठ सिद्धियां जो हैं प्रायः इनको प्राप्त करने के लिए बहुत गिरी कंदराओं में भी महात्मा लोग जो वहां बैठे रहते हैं। ये सिद्धियां सामान्य रूप से प्राप्त नहीं हो पाती। क्यों? कि सिद्धियों को प्राप्त करना बहुत एक मुश्किल बात है, लेकिन जब मनुष्य ठान ले किसी काम को करने के लिए सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। आठों की आठों नहीं होगी तो एक तो आप सिद्धि कर ही जाओगे। भगवान शंकर ने इन्हीं देवी की उपासना की थी और इन्हीं के फलस्वरूप उनका शरीर जो है वो देवी का हुआ था आधा शरीर, और इसीलिए वो अर्धनारीश्वर कहे गए थे। अनिमा सिद्धि क्या चीज है? अनिमा किसे कहते हैं? ऐसी सिद्धि प्राप्त करना जिसमें कि अपना शरीर बिल्कुल छोटा बना देना, जैसे जैसे हनुमान जी ने लंका प्रवेश करते समय अपना शरीर बिल्कुल छोटा कर दिया था, वो अनिमा सिद्धि के द्वारा किया था। महिमा सिद्धि क्या है? महिमा सिद्धि है कि अपने शरीर को बहुत बड़ा कर देना, जैसे हनुमान जी ने समुद्र लांघने के समय में अपने शरीर को बड़ा किया था। अनिमा, महिमा और गरिमा। गरिमा सिद्धि क्या है? कि पहाड़ जितना अपने शरीर को बना देना, ये गरिमा सिद्धि में होता है। और लघिमा सिद्धि क्या है? लघिमा सिद्धि में सबसे अपने आप को हल्का बना देना, जैसे वायु हल्की होती है और जैसे वायु दिखाई नहीं देती, इसी प्रकार अपने शरीर को हल्का बना देना, ये लघिमा सिद्धि में आता है। गरिमा सिद्धि, अनिमा, महिमा की व गरिमा, लघिमा, प्राप्ति। प्राप्ति जिस चीज को आप चाहते हैं, संसार की कोई भी चीज आपको चाहिए, वो तत्काल उस सिद्धि के मुताबिक आ जाती है, वो प्राप्ति सिद्धि है। प्राकाम्य सिद्धि है, आप अपने शरीर को बच्चा बनाना चाहते हैं, युवक जुवान बनाना चाहते हैं, सुंदर बनाना चाहते हैं, उस सिद्धि के माध्यम से ये हो जाता है। एक इषित्व सिद्धि है। इषित्व सिद्धि में अपने मनोनुकूल सब प्रकार की बातों को करने के लिए हम समर्थ होते हैं। और जो वशित्व सिद्धि है, वशित्व सिद्धि में संसार के जितने पदार्थ हैं उनको अलग अलग रूप में बदलने की क्षमता होती है। ये आठ सिद्धियां, इन आठ सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए आप प्रयास करें और भगवती माँ से प्रार्थना करें कि माँ इन सिद्धियों के फलस्वरूप आप हमें आशीर्वाद दें। तपस्या करने के लिए, माँ का भजन करने के लिए हमें आशीर्वाद प्राप्त हो, और आपके पास ये सब प्रकार की सिद्धियां हैं, आप हमें आशीर्वाद दें। हम इस संसार में परस्पर मैत्री संवर्धन करें, बहुत आवश्यकता इस समय ये है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का कुछ ईर्ष्या, घृणा, द्वेष से दूषित हो रहा है। हम सभी मिल करके एक हों और हम मैत्री संवर्धन करें। हम मित्र हों, दोस्त हों और हम परिवार के सदस्यों की तरह रहें। आपने अभी देखा जो दूसरी देवी थी नवरात्र में, वो ब्रह्मचारिणी थी। आज जो महागौरी, दोनों का वाहन क्या है? दोनों का वाहन बैल है। बैल को वाहन क्यों रखने की जरूरत पड़ी? और भी कुछ था, शेर सिंह वाहन थे, वो तो भगवती उस पर रखा ही है। तो बैल को रखने का मतलब क्या था? बैल का मतलब ये है कि यह हमारा भारतवर्ष जो है ये कृषि प्रधान देश है और किसानों का देश है ये। और भगवती माँ ने ये बतलाया हम सबको एक वृषभ वाहन के माध्यम से। महागौरी का वाहन वृषभ है और ब्रह्मचारिणी का वाहन वृषभ है। दोनों वाहनों के माध्यम से हमको ये बतलाया है कि यदि ये वृषभ है तो आगे पृथ्वी स्थिर है, अर्थात आप जो भी काम करेंगे, कृषि का काम करेंगे, वो सारा का सारा बैल के माध्यम से है। यदि भी आज ट्रैक्टर चल पड़े हैं या कुछ हो चुका है, लेकिन ये विज्ञान के द्वारा आज बात पैदा हुई है। परंपराओं से जो खेती की जाती थी वो बैलों के आधार पर की जाती थी, और इसीलिए हमारे जो किसान हैं, किसानों का इतना महत्व है क्योंकि जितना महत्व हमारे अपने प्राणों का है। अन्नम भी प्राणाः, अन्न ही जो है वो प्राण है, और उस अन्न को, अन्न का उत्पादन करने वाले कौन है? किसान है। इसलिए ये शिक्षा हमें प्राप्त करनी चाहिए कि ये जो हमारे वृषभ हैं, वृषभ भूमि को जोतने वाले हैं
और कृषि कृषि के प्रधान हैं, और इसके साथ साथ वृषभ की जो माता गौ है, वृषभ कहाँ से आएगा, वो गौ के माध्यम से आएगा। गौ हमारी सर्वपूज्य है और हमारी माता है, और जो अपने दूध इत्यादियों से हम सबके सब प्रकार के कष्टों को दूर करती है। हम इनका भली प्रकार से इन बातों को देखें और इन पर परीक्षण करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। शंकर भगवान की बात आई अभी, शंकर भगवान का पूरा परिवार जो है वो एक दूसरे में कुछ थोड़ा सा उनके वाहन देखिए आप, वो एक दूसरे के विरुद्ध हैं, विपरीत हैं। जैसे उनके परिवार में सांप है, चूहा है, मोर है, और वृषभ है, शेर है, ये सारे आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं। सांप जो है वो चूहे को खा जाता है, और सांप को मोर खा जाता है, बैल को शेर खा जाता है, तो ये सारे विरोधी हैं। लेकिन भगवान शंकर के आंगन में बड़े प्रसन्न होकर के वहां पर रह रहे हैं। कारण ये इस प्रकार की बात से हमको ये देखना चाहिए कि हमारे आपस में एक दूसरे के प्रति किसी प्रकार की विरोध भी हो, तब भी हमको अपना एक दूसरे के साथ मिल करके मैत्री संवर्धन करके हमें रहना चाहिए। जिस प्रकार भगवान शंकर एक सौम्य देवता, और सौम्य होते हुए भी उग्र हैं, अकिंचन होते हुए भी किंचन है, और एक गृहस्थी होते हुए भी गृहस्थी से दूर हैं, और सब कुछ सबका वैभव जानते हुए भी लक्ष्मी से दूर हैं, उस परिवार से हमें जो शिक्षा लेनी है कि हम आपस में मिलकर के रहें, और आपस में मिलकर के हम एक समाज का अच्छा निर्माण करें, राष्ट्र की रक्षा करें, और राष्ट्र पर किसी प्रकार की कोई विपत्ति ना आए। हमारे शासक हमारे भी समाज के सुधारक हैं, वो समाज को इस प्रकार से सुधारें, हमारा एक दूसरे के साथ कोई किसी प्रकार का विरोध नहीं रहे। भारतवर्ष में बहुत सी जातियां, बहुत से धर्म, ये आपस में मिलकर के रहते हैं, और गुलदस्ते में एक ही फूल होगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। गुलदस्ते में भिन्न भिन्न प्रकार के लाल, पीला, हरा, नीला जो फूल होंगे तो वो गुलदस्ता बहुत बढ़िया दिखाई देगा। हम सभी भारतीय, जितने भारत में रहने वाले जितने लोग हैं, हम एक साथ रह करके इस राष्ट्र को पुष्ट करें, और आपसे जो भेदभाव है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, कुछ नहीं, आप हैं तो भारतीय हैं, बस भारतीय होकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, और सभी खुशी खुशीपूर्वक सुखपूर्वक आप आगे बढ़ें। मैं इन शब्दों के साथ आपसे पुनः निवेदन करता हूँ। श्रद्धा चैनल वाले आप देखते होंगे, इन्होंने इस प्रसारण को यदि अधिक समय भी लगा है तो भी पूरे विश्व में ये प्रसारण इनका गया है, और ये भी पुण्य के भागी हैं, ये भी शुभकामनाओं के भागी हैं। इस अवसर पर मैं आप सबको जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, नवरात्रों की शुभकामनाएं आपको देता हूं, और जो जो बातें प्रथम नवरात्र से लेकर के आज तक कही हैं, उन बातों पर कुछ अमल अवश्य होना चाहिए, और मातृशक्ति का संरक्षण, मातृशक्ति का संवर्धन, उनके आदर भाव का जो है वो आदर भाव अवश्य होना चाहिए, और हम परस्पर मिल करके रहें। ये माँ आदेश दे रही है, एक तरफ हम मातृशक्ति को खराब करने जा रहे हैं भ्रूण हत्याओं के माध्यम से, और दूसरी तरफ हम मातृशक्ति का पूजन कर रहे हैं। माँ नहीं ये चाहती है, माँ चाहती है कि मेरे बच्चे चाहे वो स्त्री के रूप में आए, पुत्री के रूप में आए, पुत्र के रूप में आए, लेकिन सभी मिल करके एक साथ रहें, और उसके जरिए आपने सही मायने में माँ को प्रसन्न करना है, तो माँ जो कुछ बच्चों से चाहती है आप इसको दीजिए, माँ आपको सब कुछ देगी। मैं पुनः इस अवसर पर आपसे कहता हूं कि आज आप यदि शाखा क्षेत्रीय जो है उसको विसर्जित कर रहे हैं तो बहुत अच्छा समय है। कल करने के लिए यह है कि कल 9 बजे से पहले आप क्षेत्रीय विसर्जन कर सकते हैं, लेकिन रविवार है, क्षेत्रीय विसर्जन होगा नहीं, परसों नहीं कर सकते, सोमवार है, दशमी तिथि है, इसीलिए माँ ने कहा है दुर्गा सप्तशती में, अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः, अष्टमी के दिन, नवमी के दिन और चतुर्दशी के दिन जो भक्तजन मेरा भजन करते हैं उनके पास सब कुछ होता है, धन धान्य ईश्वर की सब प्रकार की वृद्धि होती है। इसलिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप कन्या पूजन करें,
और खेतरी विसर्जन आज कर दें, और यदि बहुत आवश्यक हो तो कल सूर्य चढ़ने से पहले पहले इस आय के बारे में ही, क्योंकि हमारी परंपरा के मुताबिक जो सूर्य चढ़ने से लेकर के दूसरे दिन सूर्य चढ़ने तक वही बार रहता है, वही सब कराते, तो उस बार के माध्यम से उससे पहले भी आप गिरी कर लें तो कोई हानि नहीं, लेकिन उसके बाद फिर आप रविवार में या दशमी तिथि में जाएं तो थोड़ा सा इतना उचित नहीं होगा। इसलिए मैं आप सबको इस शुभ अवसर पर बधाई देता हूं। हमारे पुजारी जी इन्होंने दो तीन तीन जगहों पर गुफा में पूजा की है, जहां पर जाकर के हवन किया है और अपने कमरे में जाकर के शाखारोपण किया है, तीन तीन पूजन जो है वो कर रहे हैं, वो भी इसी माध्यम से सब प्रकार की पूजा को करके आप सबको आशीर्वाद देते हैं। मैं गला थोड़ा सा अभिवस्थित होने के कारण से अधिक नहीं कह पाऊंगा, लेकिन इतना कहूंगा कि आपको भगवती सब प्रकार के ऐश्वर्य दे, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, और ये अष्टमी और नवमी का ये पर्व जो है ये आप सबके लिए वरदायक हो। स्वस्त्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु गोवायुरस्तु धन धान्य समृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु विजयोस्तु रिपुख्ययोस्तु वंशे सदैव भवतां दुर्गा भक्तिरस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुजारी जी आरती करने जा रहे हैं, महागौरी और सिद्धिदात्री की आगे प्रार्थना कीजिए, आपके सब प्रकार के कार्यों को सिद्ध करेगी। धन्यवाद।
कट्ठी बोल रहा सब भी सभी को आरती का आनंद आया ना कि इधर आया इधर नहीं आया किसी को सभी को आया ना आरती का आनंद क्या हो जे आनंद जीवन में माता रानी बार बार लाए ऐसा मौका आपकी जिंदगी में माता रानी बार बार लाए जो आपको मां की झोली में बैठ के ये तप करने का मौका मिला बहुत समय हो गया लेकिन दो दिन की पूजा और दो दिन का संदेश आपको इकट्ठे देना आज आपने महागौरी
और माँ सिद्धिदात्री जी के रूप में माँ अंदर आज आपका इंतजार कर रही है। आचार्य जी ने आपको सबको समझा दिया, सबको बहुत सुंदर आशीर्वाद दिया, जबकि उनका गला साथ नहीं हुआ, उनकी साथ नहीं दे रही थी, तब भी उन्होंने इतना सुंदर आशीर्वाद दिया आपको। मैं आज के दिन आपको यही बोलूंगा कि आप जब गुफा में जाएंगे, माँ के चरणों में माथा टेकेंगे, माँ से मिलेंगे, आज जगजननी माता रानी आपको कुछ ना कुछ जरूर देगी, क्योंकि उसने बुलाए आप कुछ बचल दिनों में है। तो आज का दिन जब आप माँ से प्रणाम करोगे, माँ से मांगोगे, एक तो अपने लिए मांगना, दूसरा आप अपने श्राइन बोर्ड के लिए मांगना, जो जहां पर ड्यूटी करके गए हैं, जितने भी ऑफिसर हमारे गवर्नर साहब, हमारे सीओ साहब, एडिशनल सीओ जी, जो भी मां की सेवा में फोर्सेस वाले हैं, सफाई कर्मचारी जी हैं, जो रिटायर होके गए हैं, जहां ट्रांसफर होके गए हैं, जो भी जहां मां के दरबार में आप सबकी सेवा में लगे हुए हैं, और आज मां ने उनको कर्म भूमि दूसरी दी, आज हम आज का दिन उनको भी हम याद करते हैं, उनकी भी मां के चरणों में अरदास लगाते हैं, और जो आने वाले ऑफिसर्स हैं, जो ड्यूटी दे रहे हैं, उनकी आपने माता रानी जी से अरदास मांगनी है कि भगवती माता रानी उनको मां खूब खुशियां दे, तंदुरुस्ती दे उनको और उनके परिवार को, ताकि वो अच्छी अच्छी सुविधाएं आप सबके लिए और आपके अपने श्राइन बोर्ड को और ऊंचाइयों और तरक्कियों पर लेके जाने के लिए वो हमेशा मां की सेवा में हाजिर रहे। ये आपने मां से आशीर्वाद जरूर मांगना है। आप जब मां जहां चरणों में आते हो, मैं जब गया था घूमने, मैंने एक चीज नोट की, जो व्यवस्था हमारे श्राइन बोर्ड की है वैसी व्यवस्था पूरे घूमने से कहीं नहीं मिली। और ये सब हमारे अच्छे ऑफिसर्स और आप सभी जो मां की लाडली संगत है, जो जहां बैठी है, जो अपने घरों में है, आप सबके सहयोग के बिना नहीं हो सकता। इसलिए आप अपनी अरदास में मां से जरूर मांगना, ये आपका श्राइन बोर्ड है, आप अपने श्राइन बोर्ड के साथ अच्छे अच्छे सुंदर विचारों के साथ जुड़िए, ताकि कल जब आप अपने दरबार में मां के पास आओगे तो आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। आज का दिन मां से प्रार्थना करते हुए मैं मां से विनती करता हूं कि माता रानी जी आप सबको आशीर्वाद दें, आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, आप सबकी झोलियां खुशियों से भरें, आप सबकी हाजिरियां कबूल करें। इसी आशीर्वाद के साथ माता रानी जी आप सबको अपने दरबार में जल्दी जल्दी बहुत सारी खुशियों के साथ फिर से बुलाएं। अभी वही लहर के साथ मां का आशीर्वाद पूरे देश में फैले। बोलो सच्चे हरी जय, पूरी गज के साथ बोलो सच्चे हरी जय, बोलो सच्चे हरी जय, आशीर्वाद जय माता दी।
ਬਾਈ Thank you.
और इधर से ये भी दिखा देंगे और ये कुछ इधर होंगे कुछ उधर होंगे कर दीजिए ठीक है अभी तो पांच इधर आ जाओ जब तक वो कन्या पूजन चलेगा ना आप मंत्र का चारण कर करिएगा बस पांच इधर खड़े हो जाओ अभी और थोड़ा सा और इधर हो जाओ भाई जी सब कैमरा आगे ले लो और आगे ले लूंगा तो फिर थोड़ा सा आप और उधर हो जाइए सर आप इधर हो जाओ इधर इधर बोल आप इधर बैठा इधर आ जाओ कवर हो जाएंगे ना सारे इधर आ जाएंगे इस साइड इधर इधर खड़े हो जाओ सुशांत आओ आवाज नहीं जाएगी ना नहीं जाएगी ना इधर से सुशांत जी नहीं इन्हें आइए आओ ना कम 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 उधर भी चाहिए थोड़ी पीछे होइए सर स्टार्ट कर दीजिए शुरू करा दीजिए खड़गम चक्र ओम खड़गम चक्र गदेशु चाप परिगांशूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं सन्दधतीं करैस्त्रिनयना सर्वाङ्गभूषाभृतां नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ स्वपि देहरौ कमलजो हन्तु मधुं कैटवाम् अक्षस्रकपरशुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकाम् दण्डं शक्तिमसीं च चर्म जलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सैरिव मर्दिनीमिह महा लक्ष्मीं सरोजस्थितां घण्टा शूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुसायकम् हस्ताब्जै दधतीं गणान्तविलस श्वेताञ्छुतुल्य प्रभां गौरी देह समुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूता महा पूर्वामत्र सरस्वती मनुवजे शुम्भादिदैत्यार्दिनी विद्योदाम समप्रभा मृगपदीं स्कन्धश्रितां भीषणां कन्याभिगर्वालखेट विलसत् हस्ताभिरासेविताम् हस्तैश्चक्रगदाधिखेट विशिखां चापं गुणं तर्जनी विभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे जाकुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणाभरदण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिर्देवे सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीमभयदां
राज्यन्धकारा पहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां हरिः ॐ सहस्रशीरेखापुरुकः सहस्राख्यः सहस्रपात सभूमिर्गुं सर्वतस्मृतवात्यतिष्ठदश गुलम् पुरुख एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च वाव्यम् उतामृतत्वस्येषानु यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा तु व्याजाश्च पुरुकः पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्य मृतं दिवि त्रिपादोर्ध्व उदैत्पुरुकः पादोऽस्येहा भवत्पुनः ततो विख्वं व्यकरामत्साशनानशने अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपूरुकः स जातो अर्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः तस्माद्ज्ञात् सर्वाहूतः संभृतं प्रेखदाज्यम् पशोस्ताश्चक्रे वायव्या नारण्या ग्राम्याश्च ये तस्माद्ज्ञात् सर्वाहूतारि चः सामानि यज्ञीरे छन्दागुंसि यज्ञीरे तस्माद्ययुस्तस्मादजायत तस्माद्दशवा अजायन्त ये केचो भयादतः गावो हजग्निरे तस्माद्दस्माज्जाता अजाभयः तं यज्ञं वरहि क्षिप्रोक्षन् पुरुखं जातमग्रतः तेन देवा अजयन्त साध्या रेखायश्च ये यत्पुरुखं व्यदधुः कतिधाव्यकल्पयन्न मुखं किमस्यासीत् किं बाहू किमुरुपादा उच्येते ब्रह्मणोऽस्य मुखमासीद्बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्व्यागुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगु शीर्ष्णोद्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्न यत्पुरुकेण हविखा देव यज्ञमतन्वत वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रेक्म इद्मः शरद्दविः सप्तास्यासन् परिदाय स्त्रीः सप्त समिधः पिताः देवा यद्यदनन् तन्वाण अवदनन् पुरुकं पशुम् यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अध्याः संभृतः पृथिव्यैरसा च विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तन्मर्त्यस्य देवत्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुखं महान्तमा द्वितीयवर्णन्तमसः परस्तात् तमे
ॐ नमो देव्ये महादेव्ये शिवाये सततं नमः नमः प्रवृत्ते भद्राय नियताः प्रणता स्मताम् रुद्राय नमो नित्याय गौरी धात्र्ये नमो नमः ज्योत्स्नायन्द्रूपिण्ये सुखाय सततं नमः कल्याण्ये प्रणतां वृद्धे सिद्धे कुर्मो नमो नमः नैऋत्ये भूभृतां लक्ष्मे सर्वाण्ये ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपालाय साराय सर्वकारिणे ख्याते कृष्णाय धूम्राय सततं नमः अतिसौम्यादिरौद्राय नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठाय देव्ये कृत्ये नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शक्तिदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेद्नेत्यवधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शब्दरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कृष्णरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्थितिरूपेण या कृष्णमेत व्याप्य सदा इन्द्रियाणां अधिष्ठात्री भूतानां चाग्रेश्य भूतेषु सन्तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः स्थितिरूपेण या कृष्णमेत व्याप्य सदा जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः तदा सुरैः पूर्वम् अभीष्ट संशयाय तथा सुरेन्द्रेण दिनेशे पिता करोतु सा नः शुभे शुभानि भद्राण्यभ्यन्तु चापदाम् या साम्प्रतम् चोधतु दैत्यकापितैः तस्माभिषा चतुरेर्नमस्ते या च स्मृता दक्षिणमे भन्ति नः सर्वा पदो भक्तिजनम्रमूर्तिभिः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु पयोजिर्यन्तरिक्षे पयोदाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम् ॐ विष्णोरराटमसि विष्णोः शभ्रे स्यो विष्णोः स्योरसि विष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा अग्निर्देवता पातु देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता बसवो देवता रुद्रा देवता द्वितीया देवता मारुतो देवता
विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिः शुभानि देव सवितुर्दुरितानि पराशुभ यद्वदरन्तन्न आशुभ उमारुद्राय तव से कपदिने क्षयद्वीराय प्रभरा महेमतीः ओम् प्रथमम् शैलपुत्री च द्वितीयम् ब्रह्मचारिणि तृतीयम् चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकम् पञ्चमम् स्कन्धमादेति षष्ठम् कात्यायनीति च सप्तमम् कालरात्रि च महागौरीति चाष्टमम् नवमम् सिद्धरात्रि च नव दुर्गा प्रकीर्तिता उक्तान्यतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयाता शरणम् गता किञ्चित् शुभम् रणसङ्कटे नापयम् तस्य पश्यामि शोकदुःखम् वयम् न हि यस्तु भक्त्या कृता नूनम् तेषाम् वृद्धिः प्रजायते ये त्वाम् धरन्ति देवेशी रक्षतान संशयः प्रेतसंस्थातु चामुण्डा वाराही महिषासना इन्द्रीगजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी विश्वाहना ब्राह्मणी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरा सर्वा सर्वयोगसमन्विता नानावर्णशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढा दिव्यक्रोधसमाकुला शङ्खम् चक्रम् गदाम् शक्तिम् हलम् च मुसलायुधम् खेटकम् तोमरम् चैव पाशुम् पाशमेव च कुन्तायुधम् त्रिशूलम् च शार्ङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानाम् देहनाशाय भक्तानामभयाय च युधानीतम् देवानाम् सहिताय वै नमस्तेऽस्तु महारुद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महासाहे महाभयविनाशिनि त्राहि माम् देवि दुष्प्रेषे शत्रूणामयवर्धिनि प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्रि आग्नेयामग्निदेवता दक्षिणामतु वाराहि नैऋत्याम् खड्गधारिणि प्रतीच्याम् वारुणी रक्षेद्वायव्याम् मेघवाहिनी उदीच्याम् वातु कौमारी रेशम्याम् शूलधारिणि ऊर्ध्वम् ब्रह्माणि मे रक्षेदस्ताद् वैष्णवी तथा एवम् दशदिशो रक्षेत् चामुण्डा शववाहना जया मे चाकृता पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिते वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षेत् उमा मूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवो रक्षेत् यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोद्वारवादिनी कपोलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायाम् सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अदरे च अमृताला जिह्वायाम् च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिका चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षि चिबुकम् रक्षेत् वाचम् मे सर्वमङ्गला ग्रीवायाम् भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिः कण्ठे नलिकाम् नलकूभरि स्कन्धयो खड्गनी रक्षेत् बाहु मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डनी रक्षेत् अम्बिका चाङ्गुलीषु च नखांशूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरी स्तनौ रक्षेन् महालेवी मनः शोकविनाशिनी हृदय ललिता देवी उतरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यम् गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेड्रम् कुदे महिषवाहिनी कट्याम् भगवती रक्षेत् जानुनी विन्ध्यवासिनी जङ्गे महाबला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयो नारसिंही च पादभ्रष्टे तु तेजसि पादाङ्गुलेषु रक्षेत् पादास्थलवासिनी नखान् द्रष्टाकराली चेषाम् चैवोदकेशिनि रोमकूपेषु कोवेरी त्वचम् चाभीश्वरी तथा रक्तमज्जावसान्यवान्यस्ति मे नासि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तम् च मुकुटेश्वर